हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन डीटीएससी में जेईई एडवांस का पेपर सेकंड। ठीक है, तो चलो वन बाई वन बात करते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन हैं, 4 सिंगल चॉइस के क्वेश्चन हैं और 6 क्वेश्चन हैं 2x2 के 3 पैसेज। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी में मल्टीपल चॉइस के टोटल 10 क्वेश्चन हैं। आफ्टर दैट सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन हैं इंटीजर के। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपन सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो सेक्शन ए का क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला गया है, दी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ दी लाइन दिस पार्ट ऑन टू दी प्लेन ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू, और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या है ये आपको ब्रैकेट में मेंशन है। The locus of the foot of the perpendicular from any point on the line on to the plane. क्या मीनिंग इसका, देखो एक गुड क्वेश्चन है। देखो ये आपको एक प्लेन गिवन है, प्लेन की इक्वेशन है बेटा 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0, यस सर। और लाइन एंड प्लेन बोथ आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब देखो अगर एक लाइन प्लेन को क्या करती है, इंटरसेक्ट, देन A1E2 प्लस B1V2 प्लस C1C2 क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए इसके लिए। सॉरी AL प्लस BM प्लस CN अगर आपका जीरो है तो वो लाइन क्या करती है, इसको इंटरसेक्ट करती है। सिंपल सी बात है ना यार, अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो लाइन के ABC और प्लेन के नॉर्मल के ABC क्या होंगे, परपेंडिकुलर। हाँ, तो उस केस में क्या लिखोगे, AL प्लस BM प्लस CN आपका जीरो होगा। बट इस क्वेश्चन में ABC और LMN का प्रोडक्ट जीरो नहीं है, तो देन लाइन इंटरसेक्ट दी प्लेन। तो चलो लेट करते हैं अपन कि लेट ये आपकी लाइन है L जो इसको क्या करती है, इस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट। ठीक है, तो देखो लाइन का प्लेन में आपको बताना है प्रोजेक्शन, और लाइन में प्लेन के प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या है कि लाइन पे एनी पॉइंट लेट करोगे तो उससे जो फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उसका लोकस चाहिए अपन को। तो देखो उसमें क्या करना है, आप लाइन पे कोई भी पॉइंट लेट करो, जैसे मैंने ये पॉइंट लेट किया, इसका फोटो परपेंडिकुलर इधर होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका फोटो परपेंडिकुलर यही होगा ना, इधर कोई भी पॉइंट लोगे उसका फोटो परपेंडिकुलर दिस होगा। आपने ये पॉइंट लेट किया तो इसका फोटो परपेंडिकुलर दिस पॉइंट होगा। कहीं भी लेट करो आप पॉइंट, उनका जो फोटो परपेंडिकुलर है वो एक क्या होगी, ऑलवेज लाइन होगी। इस पॉइंट का फोटो परपेंडिकुलर इधर होगा क्योंकि ये डाउनवर्ड है लाइन, मतलब ये जो मैंने रेड वाली लाइन ड्रॉ की ये क्या है, इस लाइन एल पे एनी पॉइंट का जब प्लेन पे क्या लोगे, फोटो परपेंडिकुलर। तो ये जो पॉइंट है इनको जॉइन करने से जो पाथ बनता है उसी को क्या बोलते हैं, लोकस। तो ये लोकस भी ऑलरेडी एक लाइन है, यस सर। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, इस लाइन की क्वेश्चन को करना फाइंड आउट। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद आपको लाइन की क्वेश्चन गिवन है बेटा, एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू y माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन फोर। अब देखो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, बस समझने वाला पार्ट तो ही था। देखो इसमें एक मेन बात क्या है, ये जो प्लेन है इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, मतलब 0.0.0 100% इस प्लेन पे लाई करेगा, उसको बाद में यूज करना है क्योंकि इसका यूज है इस क्वेश्चन में। देखो आपको इस लाइन एल वन की क्वेश्चन को करना है कैलकुलेट, तो क्या करें, एक लाइन की क्वेश्चन के लिए अगर उस लाइन पे टू पॉइंट पता चल जाए तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x1 - x1 अपॉन, लेट एक लाइन आपकी x1, y1 एंड b x2, y2 से पास होती है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x-x1 upon x2-x1 इक्वल टू ये आपकी लाइन होगी, यस सर। तो देखो क्या करना है बेसिकली इसमें, देखो ब्लैक बोर्ड पे ये जो लाइन है आपकी L, ये लाइन किस पॉइंट से पास होती है, 1, 2, 3 से। तो 100% ये 1, 2, 3 कोई भी पॉइंट मान लो, जो भी आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 1, 2, 3 आपका ये पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि 1, 2, 3 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यस सर। तो ये 1, 2, 3 है। एक सिंपल सी बात है, आपको इस लाइन L1 की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, तो देन आपको लाइन L1 पे टू पॉइंट को फाइंड आउट करना है, सिंपल। तो एक पॉइंट तो सीधा दिख रहा है ना, 1, 2, 3 की लाइन, ये 1, 2, 3 पॉइंट का इस प्लेन में क्या है, फोटो परपेंडिकुलर। ये लेट पॉइंट मैंने मान लिया P, इसको लेट कर देते हैं अपन,
सी मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी लेट कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो पी इज दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1, 2, 3 टू दी प्लेन दिस पार्ट। तो ये आपको पता होगा एक पॉइंट की प्लेन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू, जो अपन 2D में फॉर्मूला पढ़ते हैं इमेज का और फोटो परपेंडिकुलर, सेम फॉर्मूला अपन को 3D में प्लेन के लिए यूज कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट से प्लेन में फोटो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, पॉइंट का प्लेन में इमेज को फाइंड आउट करना है और पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस। तो सेम मेथड है आपका लाइन की तरह, लाइन में एक्स वाई की बात करते हैं, इसमें एक्स वाई जेड की बात करते हैं, फिनिश। तो देन पॉइंट पी क्या होगा, अब कैलकुलेशन आप करना क्योंकि थोड़ा लेंथी है बट मैं आपको समझा देता हूँ। लेट ये पॉइंट पी आपने मान ली एक्स वाई जेड, तो क्या जाएगा, एक्स माइनस वन अपॉन 3 इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 5, 3, 4, 5 है ना, इक्वल टू माइनस पॉइंट को प्लेन में पुट करो तो 3 प्लस 8 प्लस 15 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जैसे 20, 50। जब इनको सिंप्लीफाई करोगे तो देन आपके पास कौन आ जाएगा, पॉइंट पी, चलो एक पॉइंट आ जाएगा पी, ठीक है ना, ये पॉइंट पी आ गया आपका। पॉइंट पी आने के बाद देखो उसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक पॉइंट करो आप ये वाला फाइंड, ये करना ही है आपको प्रॉपर समझने के लिए क्वेश्चन को। लेट ई पॉइंट मैंने मान लिया ए, इस पॉइंट ए को अगर आप ए लेट करोगे तो ये पॉइंट ए क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड दी प्लेन। तो क्या करें आप, इस लाइन पे जो पॉइंट है 1, 2, 3 इस पॉइंट से लेट आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेट करो ए, तो इसको क्या करो इक्वल टू आर, तो देन इससे ए क्या हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2R+1 दिस इज 3R+2 दिस इज 4R+3, यस सर, ये लेट पॉइंट ए आ गया। आफ्टर दैट क्या करना है, देखो पॉइंट ए लाइज ऑन दी प्लेन, जैसे आप इसको प्लेन में पुट करोगे देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ आर, आर आ गया उसको दोबारा पुट कर देना तो आपके पास पॉइंट ए आ जाएगा। इतना आने के बाद इसमें दो बातें हैं, पॉइंट ए आ गया पॉइंट पी आ गया, तो लिख सकते हैं ना पॉइंट ए और पी में से किसी को भी एक्स वन वाई वन जेड वन मानो और इन दोनों का ये दो पॉइंट पता है तो ए बी सी क्या होंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन। तो जब आप इन दोनों पॉइंटों से डी सी एस की बात डी आर एस की बात करोगे तो इनका जो डी आर एस है वो आप खुद करना सोल्व, इसका डी आर एस जाएगा 7, 1 and -5। तो पहली बात तो क्या है, इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट है 7, 1, -5, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आंसर में। अब देखो जो लाइन की इक्वेशन गिवन है, लोकस गिवन है, उसमें ये लाइन किस पॉइंट से पास कराई इसने, 0, 0, 0 से। तो मेन यही है कि इसने 0, 0, 0 से पास क्यों करा दी लाइन को, इसने ऐसे कैसे मान लिया, पॉइंट तो ए और पी में से मानना चाहिए ना एक्स वन वाई वन जेड वन को, इसने क्या, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, यही मेन था इसमें, पॉइंट ए और पी है तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर लिखोगे वो भी करेक्ट होगा, रेशियो हमेशा यही आएगा 7, 1, -5। और ये पॉइंट ए भी ले सकते हो पी भी ले सकते हो, बट अपने ऑप्शन में ए और पी में से कंसीडर नहीं किया गया, ये 0, 0, 0 कैसे मान लिया इसने। तो देखो मुद्दे की बात क्या है, ये पता है कि जो ये प्लेन है ये 0, 0, 0 से पास होगा, तो चलो 0, 0 आपका इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और क्या पता इस लाइन पे हो, तो इसमें देखो लॉजिकली हो कह रहा बेटा क्वेश्चन में, इधर सुनो मेरी तरफ एक बात बताओ, अगर ये ओरिजिन आपका ऑलरेडी इस लाइन L1 पे लाई करता है तो आप कैसे चेक करोगे, पॉइंट P पता है O पता है, तो OP लाइन का जो DRS है और बेटा OQ लाइन की DRS है उनका रेशियो सेम आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए कि थ्री पॉइंट्स आर लाइन इन लाइन, थ्री पॉइंट अगर 3D में आपके कुलीनियर हैं तो कंडीशन क्या होगी, AB का DRS और AC के DRS, किन्हीं भी दो का DRS अगर सेम है या प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ऑल थ्री पॉइंट्स आर कुलीनियर। तो बेटा इसमें बेसिकली होगा क्या कि OP और OA का जब DRS की बात करोगे आप और AP के DRS, तो इन दोनों का DRS का रेशो सेम होगा, इसका मीनिंग अपन बोल सकते हैं कि जो 0, 0, 0 है जो ओरिजिन है आपका ये ऑलरेडी इस लाइन L1 पे भी लाई करेगा, प्लेन पे तो लाई करेगा साथ ही साथ ये इस लाइन पे भी लाई करेगा। तो फिर क्वेश्चन को करना काफ़ी सिंपल हो गया, सिंपल क्या ये तो करना ही पड़ेगा, ये सीधा नहीं बोल सकता मैं कि लाइन डायरेक्ट 0, 0 से पास होगी, क्या ये पता कैसे चलेगा, जब आप ए और पी पॉइंट को फाइंड आउट करोगे और ए और पी आने के बाद ये रेशियो चेक करने से आइडिया मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो देखना दोनों से रेशियो सेम होगा तो फिर अपन लिख सकते हैं कि हाँ एक्स टू माइनस एक्स वन, तो आप कोई से पकड़ो, अब देखो एक्स टू माइनस एक्स वन लेना है, ए पी ले लो दोनों पॉइंट एक्स टू माइनस एक्स वन या
ए ओ ले लो या पी ओ ले लो, सबसे तीनों से सेम ही आंसर आएगा, हाँ है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, चले तो कैलकुलेट करना तो आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी गुड क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ वे इन विच डबल ए डबल बी डबल सी कैन प्लेस्ड इन ए स्क्वायर्स ऑफ गिवन फिगर शो दैट नो रो रिमेंस एम्प्टी आर, क्या करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में, आपको एक डायग्राम गिवन है फिगर जिसमें ये स्क्वायर्स की फॉर्मेट में 1 2 3 कैसे भी लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस स्क्वायर देखना चाहिए वो ठीक ठाक, और एक स्क्वायर शायद इधर है ना, ऐसे ही ठीक है ना। तो देखो टोटल स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 6 9 और 2 11, टोटल स्क्वायर से 11 आपको डबल ए डबल बी डबल सी को फिल करना है, इसका मतलब आपको 6 स्क्वायर का सिलेक्शन करना है। यस सर, टोटल 11 स्क्वायर हैं और अपन को रिक्वायरमेंट है 6 स्क्वायर्स की, तो अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया सर एक काम करो आप 11 स्क्वायर में से एनी 6 स्क्वायर का सिलेक्शन करो और सिलेक्टेड स्क्वायर पे उनको फिल करने के मेथड फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो ये आंसर इसका रॉन्ग हुआ क्योंकि क्वेश्चन ने एक बात बोली गई अपन से कि ईच नो रो रिमेंस एम्प्टी, इसका मतलब टोटल अपने पास 5 रोज है R1 R2 R3, R4 एंड R5, ये टोटल 5 रोज है, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, यही इसमें मेन था, बोलो आया ना। अब इस क्वेश्चन को वैसे लॉजिकली तो करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम से, किससे करते हैं बोलो, मल्टीनोमियल थ्योरम से, बट मेरे को थोड़ा एक आईडिया लग रहा है देखो इसको कैसे कर सकते हैं मैं, चलो दोनों मेथड समझाने की ट्राई करता हूँ आपको, देखते हैं फर्स्ट मेथड से ये क्या। मल्टीनोमियल मेथड तो बहुत अच्छा मेथड है, उससे बहुत सारे काफ़ी क्वेश्चंस को अपन इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में देखो क्या करना है, सिंपल सी बात सुनो, टोटल 5 रोज हैं और आपको 6 स्क्वायर का सिलेक्शन करना है और नो रो रिमेंस एम्प्टी, इसका मीनिंग आपको ईच रो से 1 स्क्वायर का सिलेक्शन करना है। तो देखो ऐसे करो आप, R1 रो से आपको 1 स्क्वायर को लेना है, तो R1 रो में टोटल 3 स्क्वायर हैं, तो 1 स्क्वायर को सिलेक्ट करने का मेथड आ गया 3C1 into, ये लेने लेना है, इसको भी लेना है, तो इसमें भी क्या होगा 3C1, इसमें भी क्या होगा 3C1, हाँ है ना, देखते हैं सही है कि गलत है। इसका मीनिंग क्या है, 1C1 लिख दो उसको चाहो तो, एक में से एक लेने का मेथड 1C1, तो एक इधर से आ गया एक इधर से आ गया। अब थोड़ा देखते हैं, चलो इस 3C1 में माना ये वाला आ गया, इधर लेट कोई सा भेजा उससे कोई मतलब नहीं है, इधर लेट ये आ गया, अब अपन को एक स्क्वायर का सिलेक्शन और करना है, उसके कितने ऑप्शंस हो सकते हैं वो लिखना है मेरे को ब्रैकेट में, बस यही मैंने इसमें, एक स्क्वायर को लेने के कितने ऑप्शंस हो सकते हैं। तो देखो इधर मेरे पास 2 स्क्वायर ब्लैंक हैं, तो इसमें से भी कोई भी एक स्क्वायर ले सकते हैं अपन, हाँ है ना, इसमें से कोई भी एक स्क्वायर सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब 2 × इसमें से भी 2 ऑप्शन है और इसमें से भी 2 ऑप्शन, मतलब आप एक स्क्वायर का सिलेक्शन 8 वे से और कर सकते हो शायद, तो चलो देखते हैं इससे बात बन सकती है क्या। तो एक 6 स्क्वायर को, जो 6 नंबर का स्क्वायर लेना है उसको लेने के 8 ऑप्शन है, ये तो आ गया सिलेक्शन, इनटू इन 6 पोजीशन पे 6 लेटर को फिल करने के मेथड क्या होंगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, चलो इसके गुणा भाग देखना क्या आएंगे, ये आ गया 27 × 8 × 6 × 120 और ये आ गया 8 से 8 चला गया, कितना आ रहा देखो 12 × 72 × 27, चलो देखते हैं, तो 0 से करो 0 19, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, इसका मतलब इस मेथड में तो कोई ना कोई गड़बड़ी 100%, ठीक है, मतलब मैं समझाने की ट्राई करता हूँ कि ऐसे करने में क्या प्रॉब्लम है।
ये तो आ गया सिलेक्शन, इधर से सिलेक्शन प्रॉपर नहीं है क्योंकि अपन को, हाँ इसमें अगर प्रॉपरली थोड़ा इस वजह से देखना है तो एक काम करें अपन, ये फिक्स है, इसमें क्या केसेस थोड़े ज़्यादा होंगे, आपने क्या किया एक साथ सिलेक्शन नहीं किया है, इसमें सब पार्ट में अपने सिलेक्शन किया है, तो इसका बेटर ऑप्शन अगर करना है तो शायद मेरे अकॉर्डिंग ये करते हैं, इसमें देखो एक बार इसको हटा दे एक बार, ये 8 रॉन्ग लग रहा है मेरे को, उसमें इसमें बेटर ऑप्शन ये रहेगा अपने लिए, मैं आपको दोनों मेथड बताने की ट्राई करता हूँ कि इसमें क्या है, इसमें गलत गड़बड़ी यही है कि आपने एक मत सरो, आपको टोटल 6 एक साथ लेने अपन को, ठीक है टोटल 6 स्क्वायर का सिलेक्शन एक साथ करना है, तो ये तो फिक्स हो गया ना, देखो इसको ऐसे लिखे अपन ज़्यादा बेटर ये रहेगा, देखो एक तो ये आ ही गया, एक इधर से आ गया, इन पर तो बात ही मत करो, अब टोटल लेने 4, टोटल कितने लेने 4, अब एक काम करते हैं 4 स्क्वायर अपन को सिलेक्ट करने हैं, तो सबसे पहले तो ये लिखो कि R1 R3 R5 रो में से 2 स्क्वायर हो किसी एक रो में से, तो R3 R2 R1 R3 और R5 में से एक रो का सिलेक्शन करो 3C1, ये आपने एक रो सिलेक्ट की R1 R3 R5, इस रो को सिलेक्ट करने का मीनिंग क्या है कि जो आपने R1 R3 और R5 में से रो सिलेक्ट की है उसमें से आपको किस, उनमें से एक रो सिलेक्ट की उसमें से अपन को 2 स्क्वायर लेने हैं, तो 3 में से 2 स्क्वायर लेने के तरीके जाएंगे 3C2, ये सही है मेथड, अब आगे समझ में, एक रो में से R1 R3 R5 में से एनी रो में से अपन को 2 स्क्वायर का सिलेक्शन करना है, तो पहले क्या करोगे R1 R3 R5 में से 1 रो का सिलेक्शन करो 3C1, और सिलेक्टेड रो से 2 स्क्वायर को लेने के मेथड 3C2, और रिमेनिंग जो 2 रोज होंगी कोई सी भी उनमें से एक एक लेना है, तो वंस अगेन आ जाएगा 3C1 × 2, ये 100% सही होगा आंसर, ठीक है ना, ये प्रॉपर है, तो क्या जाएगा 3C2 × 3, और ये कितना जाएगा बोलो 6 × 120/8, इसको कैंसिल, ये आ गया 15, तो 15 × 6 = 90, और ये आ गया 81, ठीक है, तो कितना आ गया 0998 7 × 90, तो इसका आ जाएगा 4th ऑप्शन, तो ये मेथड हो गया नॉर्मल मेथड पीएनसी से करना है, ठीक है, अब उसके बाद सेकंड मेथड क्या, मल्टीनोमियल मेथड देखो क्या है, करते हैं एक बार ट्राई उसको भी, उसमें कोफिशिएंट मेथड को की हेल्प लेनी है अपन को, तो देखिए बेटा मेथड सेकंड में क्या करना है अपन को, अभी लिखने का वे है थोड़ा आना चाहिए, 3C1X, इस 3C1X का मीनिंग क्या, आपने इस एक्स का मीनिंग क्या है कि आपने जो बॉक्सेज है ना उनका नेम एक्स दे दिया, कि लेट वो बॉक्सेज उनका नेम एक्स है, इसका मीनिंग क्या लिखा है मैंने, 3C1 का मतलब इन 3 में से कोई भी एक बॉक्स सेलेक्ट करो 3C1 × X, ये सिलेक्टेड बॉक्स का नेम हो गया, प्लस 3 में से कोई भी 2 बॉक्स सेलेक्ट करो X² प्लस 3 × 3 सेलेक्ट करो, समझो मेरी बात को, इसका मीनिंग है आपने 3 में से एक बॉक्स का सिलेक्शन किया होगा तो 3C1X प्लस 2 का किया होगा 3C2X², ये तीनों का सिलेक्शन 3C3X², वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, मैक्सिमम आप एक रो से 2 ले सकते हो, तो उसको रिमूव कर दोगे फिर भी चल जाएगा, बट कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, यही काम इसमें करोगे, तो ये आ गया क्यू इंटू, इसमें से एक लेना ही लेना है तो क्या लिखोगे 1C1X, और अगले में से भी क्या लोगे 1C1X, टेकिंग दी कॉफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 6, सबके मल्टीप्लाई में आपको एक्स की पावर 6 का कॉफिशियंट फाइंड आउट करना है, यस सर, तो देखो क्या आ गया, थोड़ा केयरफुली देखना, 3C1 की वैल्यू 3 होगी, 3C2 वंस अगेन 3, और 3C3 होगा 1, और ये आ गया X², इन दोनों के मल्टीप्लाई में लेना X की पावर 6 का, तो केयरफुली देखो इन ऑल 3 में से X कॉमन लोग तो X की पावर 5 आ गया ना, तो क्या आ गया 3 या X² प्लस 3X प्लस 3 इंटू X³ इंटू X की पावर 5, इन दोनों के मल्टीप्लाई में आपको X की पावर 6 का क्या लेना है कॉफिशियंट, तो इस X की पावर 5 को रिमूव करोगे तो क्या होगा X² प्लस 3X प्लस 3 की पावर 3 में टेकिंग दी कॉफिशियंट ऑफ एक्स, इसमें ओनली आपको एक्स का कॉफिशियंट लेना, तो काम करो इसको तो ए लेट कर दो, इसको बी लेट कर दो, इसमें लगा दो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला, क्यों क्यूब करना तो टफ हो जाएगा ना, तो 3C0 X² प्लस 3X का क्यूब X की पावर है, ठीक है, प्लस 3C1
एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर इंटू थ्री प्लस थ्री सी टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इंटू थ्री स्क्वायर प्लस थ्री सी थ्री इंटू थ्री क्यूब टेकिंग द कोफिशियंट ऑफ एक्स। तो देखो ब्लैकबोर्ड पे, इधर तो एक्स क्यूब आएगा तो इसमें तो मिनिमम एक्स क्यूब कोफिशियंट होगा, तो ये तो लेना नहीं है अपन को। इसमें भी एक्स स्क्वायर होगा मिनिमम, तो इसमें भी आपको एक्स का कोफिशियंट डज नॉट फाइंड आउट। हाँ, इसमें आपको एक्स का कोफिशियंट मिल सकता है, ये पावर सॉरी वन है, ये थ्री पे स्क्वायर है। इसमें एक्स का कोफिशियंट कौन सा होगा, थ्री, थ्री स्क्वायर और थ्री सी टू का मल्टीप्लाई है। तो जब आप लिखोगे टेकिंग दी कोफिशियंट ऑफ, टेकिंग दी कोफिशियंट ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री सी टू इंटू थ्री इंटू थ्री स्क्वायर, तो कितना आगे वंस अगेन ये 81, मतलब आप 81 वेट से 81 तरीकों से इन टोटल 11 स्क्वायर में से 86 स्क्वायर का सिलेक्शन कर सकते हो, नो रो रिमेंस एम्प्टी, समझे। ये आ गया सिलेक्शन ऑफ स्क्वायर्स इन आउट ऑफ 11 स्क्वायर्स, और आफ्टर दैट ये तो आ गया स्क्वायर का सिलेक्शन इनटू सिलेक्टेड 6 स्क्वायर पे 6 लेटर को फिर करने के मेथड, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, देख अच्छा क्वेश्चन है, और विदाउट मल्टी नोमियल थ्योरम के वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको इस रो में से दो लेने हैं ना, तो वो दोनों एक साथ लो, आप वन बाई मत लो, क्योंकि वन बाई वन लेने का मीनिंग है आपने उसमें कुछ केसेज एक्स्ट्रा इनबिल्ट कर दिए हैं जिनको अपन को एक ही वाला लेना, ठीक है। तो जब भी सिलेक्शन करना है पीएनसी के अंदर, वो एक साथ करोगे सारे काम। चलें नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंसीडर दी थ्री प्लेन्स, आपको P1, P2, P3 थ्री प्लेन्स गिवन है। इफ P1, P2, P3 इंटरसेक्ट इन दी लाइन ऑफ दिस पार्ट, देन दी वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल थीटा इज नॉट इक्वल टू, मतलब कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मीनिंग क्या, देखो थ्री प्लेन्स आपके एक लाइन पे मीट करते हैं, इसका मतलब थ्री प्लेन का इंटरसेक्शन, थ्री प्लेन अगर एक जगह कट करते हैं इसका मतलब उनका तीनों प्लेन का, टू प्लेन का इंटरसेक्शन ऑलवेज एक लाइन होगी। तो टू से मोर प्लेन भी जब किसी सेम पार्ट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो भी क्या होगी, एक लाइन होगी, और वो लाइन आपको गिवन है। इसका मीनिंग क्या होगा कि थ्री प्लेन का इंटरसेक्शन अगर ये लाइन है, तो लाइन पे अगर आप पॉइंट कंसिडर करोगे तो वो पॉइंट ऑल थ्री प्लेन पे क्या करेगा, सीधा लाई करेगा, और क्या। तो क्या करो, आपको जो लाइन गिवन है वो क्या है, एक्स अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू जेड अपॉन कॉस अल्फा, इसको आर लेट करो, तो इससे आ गया एक्स इक्वल टू, मतलब आपने इस लाइन पर एक आर्बिट्री पॉइंट लेट किया, आर कॉस थीटा, आर कॉस बीटा, और जेड इक्वल टू आ गया आर कॉस अल्फा। दिस पॉइंट लाइज ऑन दी P1, P2 एंड P3 प्लेन, तो आप P1, P2, P3 प्लेन में वन बाई वन इसको पुट करो। तो चलो अपन P1 प्लेन में पुट करते हैं इसको, तो P1 प्लेन में पुट करने पे क्या आ गया, x की जगह तो आ गया r cos थीटा इक्वल टू y की जगह लिखोगे r cos बीटा sin थीटा प्लस z क्या होगा r cos अल्फा, कुछ गड़बड़ी की है क्या, सॉरी x तो आ गया r cos थीटा इक्वल टू y होगा r cos बीटा sin अल्फा, ठीक है, प्लस ये sin बीटा, थोड़ा गड़बड़ी मत कर देना। तो देखो r तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया ना, तो कितना आ गया देखो cos थीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया sin a प्लस बी का, तो आ गया sin अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। वंस अगेन जब आप इस पॉइंट को सेकेंड प्लेन में पुट करोगे तो देखो उससे क्या होगा, एक और लिख देते हैं, लेफ्ट में कौन है y, तो ये आ गया r cos बीटा इक्वल टू z कितना है r cos अल्फा sin थीटा प्लस r x की वैल्यू क्या है
कॉस थीटा साइन अल्फा, तो आर कैंसिल होके वंस अगेन आ गया कॉस बीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस अल्फा, तो इधर तो आ रहा है कॉस थीटा अल्फा प्लस बीटा, बीटा आ गया थीटा प्लस अल्फा। सिमिलरली जब अगला करोगे ना तो उससे क्या होगा कॉस अल्फा इक्वल टू साइन थीटा प्लस बीटा। अब कोई सा भी रिलेशन लेके देख लो सबसे एक ही बात बनेगी, जैसे मैंने यही पकड़ लिया, इसको लिख सकते हैं ना कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज साइन थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सोल्यूशन क्या लिखोगे थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसमें होगा क्या जब टेकिंग प्लस लोगे, टेकिंग माइनस से बात नहीं बनेगी, जब आप टेकिंग प्लस लोगे तो सीधा टेकिंग प्लस लेने पे ये माइनस से दर्जा के प्लस हो गया ना, तो थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा 2n पाई प्लस, सीधा आंसर आ गया लो, और n मेरा कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो आप देख लो कौन सी पॉसिबल नहीं, कौन सी पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती। तो देखो आप जैसे इफ आपने n को जीरो पुट किया तो तीनों का सम कितना जाएगा पाई बाई टू आ गया, n को अगर आपने वन पुट किया तो तीनों का सम क्या आ गया फाइव पाई बाई टू, n को टू पुट किया तो चार नाइन पाई बाई टू, मतलब फोर का डिफरेंस आ गया। इसका मीनिंग इसमें सेवन पाई बाई टू कभी नहीं आ सकता, फर्स्ट ऑप्शन आ सकता है सेकंड आ सकता है, और माइनस थ्री पाई बाई टू के लिए n को ले लो माइनस वन, तो आ गया ना माइनस थ्री पाई बाई टू। तो ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इज नॉट इक्वल टू, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपको फिल करना, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, तो चलो रिमूव कर दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोला गया, देखो इवेंट ए वन ए टू ए एन आर इंडिपेंडेंट, आपको ए वन ए टू ए एन इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है, पी ए के इक्वल टू गिवन है पी के, मतलब आपने के को वन लिया तो ए वन इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी वन होगी, के को टू लोगे तो ए टू इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी टू की गिवन है आपको प्रोबेबिलिटीज। देन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ दी अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट, एग्जैक्टली वन इवेंट के अकर होने की प्रॉबर्टी बताओ क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, सीधा आंसर दो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू एग्जैक्टली वन इवेंट, तो इसका मीनिंग क्या होगा पहले लिखोगे पी वन इवेंट हो ए वन इवेंट, बाकी इवेंट नहीं हो, क्योंकि तो सारे के सारे इंडिपेंडेंट बोले गए ना, तो ये आ गया केवल इवेंट ए वन हो, रिमेनिंग इवेंट डज नॉट अकर्स। इस पे सिग्मा लगा सकते हो कि इसको लेना है बाकी को सेलेक्ट नहीं करना, ये तो मीनिंग हुआ ना। अगले में क्या लिखोगे प्लस ए वन इवेंट डज नॉट अगर, ए टू इवेंट अगर और रिमेनिंग डज नॉट अकर, ये तो मीनिंग हुआ ना एग्जैक्टली वन इवेंट इज अकर्स, ये प्रोग्रामिंग आपको गिवन है, बस इसको अपन को थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। सिग्मा के फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, और लास्ट में जाएगा पी ए एन आपका अकर, समझे मेरी बात को। इसका मीनिंग तो क्या है ओनली वन इवेंट इज अगर, तो ए वन इवेंट अकर हो रिमेनिंग डज नॉट अकर, ए टू अकर हो रिमेनिंग डज नॉट अकर, सब टू ए एन अकर हो रिमेनिंग डज नॉट अकर, ये आ गया। इन सबको समेशन में किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं अपन को, ये इसको बताना है। तो इसके लिए देखो क्या करना चाहिए, वेट ऑप्शन तो यही कि आप अपने ऑप्शंस देख लो, लफड़े फिनिश हो जाएगा, एक सेकंड लगेगा ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन इसको फिल करता है अपने बात को, ठीक है ना। वेट ऑप्शन तो इसका यही रहेगा, बाकी तो फिर क्या कर सकते हैं, देखो जैसे ये वाला पार्ट है ना, इसको मैं क्या ले सकता हूं, केवल इस पार्ट की समझने की बात करो, अगर आप इस पार्ट की बात करो तो उसको ऐसे लिखने में क्या बुराई है, एक काम करो इसको पी ए बार से मल्टीप्लाई कर दो, पी ए बार से कर दो डिवाइड, सुनना केयरफुली, इसको ऐसे लिखने में क्या प्रॉब्लम है, पी ए वन अपॉन पी ए वन बार, तो ये क्या आ गया पी ए वन बार पी ए टू बार अप टू सोन, इसको लिख सकता हूं मैं पाई मल्टीप्लाई ऑफ
आई इक्वल टू वन से एन वन माइनस पी ए के। देखो सही है ना, अरे पी ए टू बार का मीनिंग क्या लिखोगे, वन माइनस पी ए टू, तो सबको मैंने ऐसे लिखोगे तो देखो ना मैंने इसको क्या किया, ए वन बार से मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड वाला पार्ट एज इट इज, और ये क्या आ गया वन माइनस पी ए के। बोलो हाँ है ना, मजा आ गया, सही है ना बात। तो ये जो पार्ट है ये तो सब में कॉमन आ गया, इसमें भी क्या करना पी ए टू क्या लिख सकते हैं, इसको पी ए टू बार से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। तो जब इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने वाला पार्ट तो आ गया पी ए टू अपॉन पी ए टू बार, और वंस अगेन बार वाला पार्ट कंप्लीट हो गया ना, वो भी किससे मल्टीप्लाई में, तो इसको वंस अगेन लिख सकते हैं पाई आई इक्वल टू वन से एन वन माइनस पी ए ऑफ के। यस सर, इतना आने के बाद जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करने पे होगा क्या, ये जो पाई वाला पार्ट है तो सब में कॉमन है ना, इसको तो ले लो बाहर, ऐड करने पे ये तो कॉमन आ गया, तो क्या आ गया पाई आई इक्वल टू वन से एन वन माइनस पी ए के, ये तो आपने लिया कॉमन, और रिमेनिंग पार्ट किस में होगा समेशन में, और ये क्या होगा लिख देते पी ए वन अपॉन पी ए बार, तो इसको क्या लिखेंगे पी ए वन अपॉन वन माइनस पी ए वन, ऐसे ही पी ए टू अपॉन वन माइनस पी ए टू अप टू सोन, तो प्लस को क्या लिख सकते हैं समेशन में सिग्मा लिख सकते हैं ना, सिग्मा आई इक्वल टू वन से एन पी ए के अपॉन वन माइनस पी ऑफ ए के। देखो कितना सिंपल पार्ट, ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये जेटे तो देन इसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना, इस तरीके से करना क्वेश्चन को। आप एक काम करना, लिमिट अलग अलग रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, आई को वन वैसे फर्क कुछ नहीं, वैसे ज़्यादा बेटर है कि लिमिट को अलग रखो, आप लिमिट को क्या अलग रखें, क्योंकि वेरिएबल दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, बोलो इसमें किसी को डाउट है, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अब इसके बाद बात करते हैं अपन पैसेज की वन बाई वन। देखो पैसेज फर्स्ट क्या है, इसमें टू क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर एंड सिक्स्थ नंबर, तो वन बाई वन देखते हैं अपन, रीड करो एक बार पैसेज को। लेट ओ ए बी सी बी ए टेट्राहेड्रन विद एजेज लेंथ बी सी सी ए ए बी ओ ए ओ बी, सब कुछ लेंथ गिवन है आपको, ठीक है, देन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों में आपको विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट की बात की गई थी। देखो पढ़ो, वॉल्यूम ऑफ दी टेट्राहेड्रन, एक बार तो वॉल्यूम की बात करनी है टेट्राहेड्रन की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड दी प्लेन एबीसी, मतलब ओरिजिन से आपने प्लेन एबीसी पे क्या ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो उसकी हाइट बतानी है, लेंथ तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में तो दो बातें, वॉल्यूम और प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले में क्या बोला गया है, ओ ए लाइन और बी सी लाइन की बिटवीन एंगल, और ओ ए बी प्लेन और बी सी लाइन की बिटवीन एंगल की बात की गई, ठीक है, मतलब टोटल चार क्वेश्चन एक तरीके से। तो चलो देखते हैं क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक बार इस टेट्राहेड्रन के रफली डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। लेट ये ओ है, ये ए है, ये लेट आपका बी है, लेट सी, ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर दिया टेट्राहेड्रन, ठीक है, ये स्पेस में पॉइंट ओ, ठीक है ना, जो आप पढ़ते हो ना सी एच फोर की स्ट्रक्चर उसी जैसा ही है, हवा में ले लो उसको। इस पॉइंट ओ को लेट करो जीरो, ओरिजिन लेट कर लेते हैं अपन जीरो वेक्टर, ये लेट आपका ए वेक्टर है, जब भी टेट्राहेड्रन और पैरेलल पाइप की बात की जाए तो जो उसका एक पॉइंट है कोटर्मिनस एजेज है, इनको क्या बोलते हैं कोटर्मिनस एजेज, संगामी कोर है, तो इसको ओ लेट करके आप उसके रेस्पेक्ट में वेक्टर बना दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन लेट कर सकते हैं। तो देखो उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो ना, ये तो क्या होगा ए वेक्टर, ये होगा बी वेक्टर, ये होगा आपका सी वेक्टर। अब गिवन क्या है वो लिखते हैं एक बार, आपको गिवन है बी सी की लेंथ रूट टू, लिख देते हैं, सी ए की लेंथ आपको गिवन है कितनी, लेंथ ऑफ सी ए रूट थ्री, ये सी ए की लेंथ है रूट थ्री, और
एबी की लेंथ आपको रूट फोर, ये तो ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है। आफ्टर दैट और क्या बोला गया, ओए आपको गिवन है रूट फाइव, ये ओबी लेंथ गिवन है आपको रूट सिक्स, एंड बेटा ओसी लेंथ गिवन है आपको रूट, ये सारी की सारी लेंथ गिवन है इसमें, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, पहले तो बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ दी टेटेड एंड। तो एक बात सुनो, ये ओए ओबी ओसी टेटेड एंड की क्या को टर्मिनस एज है, तो वॉल्यूम ऑफ दी टेटेड एंड क्या होगा 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। तो चलो एक बार फॉर्मूला लेते हैं। अब अगर आपका टेटेड एंड का वॉल्यूम आ गया तो आपसे बोला गया कि इस ओरिजिन से आपने इस ट्राइंगल एबीसी फेस एबीसी पे क्या ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ करो फाइंड आउट। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम ऑफ दी टेट्राहेड्रन है उसका मीनिंग क्या है, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट। तो आपने ओरिजिन से इस पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो बेस एरिया तो हो जाएगा डेल्टा एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का एरिया। तो देखो अगर वॉल्यूम आ गया, एबीसी का एरिया पता चल जाए तो बताओ हाइट मिल जाएगी नहीं मिलेगी। तो अपना मेन फोकस वॉल्यूम पे है और बेस एरिया पे फोकस करना है, तो इससे फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वो देखते हैं अपन। अपन को जो लेंथ गिवन है इसकी बात करते हैं। देखो मैं लिखता हूं एक बार, ए वेक्टर की लेंथ गिवन है, ए वेक्टर आपका रूट फाइव है, पी वेक्टर आपका रूट सिक्स है, और सी वेक्टर का मोड आपको रूट सिक्स है। इसको लिख के फ्री करो। अब उसके बाद ए बी बी सी और सी ए की लेंथ गिवन, तो देखो इसका मीनिंग क्या है, ए बी वेक्टर की लेंथ आपको गिवन है रूट फोर, तो ए बी वेक्टर का मीनिंग क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मोड इक्वल टू रूट फोर। यस सर। तो इसको क्या करना है, इसकी बोथ साइड कर दो स्क्वायरिंग, तो क्या जाएगा ये मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी इक्वल टू फोर। यस सर। तो मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर कितना होगा, 11 माइनस फोर 7 बाई टू, ए डॉट बी आपका आ गया 7 बाई टू, ये लो इससे आ गया ए डॉट बी इक्वल टू 7 अपॉन टू, बोलो आया ना। ए डॉट बी आने के बाद सिमिलरली क्या करना है, आपको बी सी की लेंथ गिवन है रूट टू, तो वंस अगेन लिखते हैं बी सी वैक्टर की लेंथ इक्वल टू रूट टू, और बी सी वैक्टर का मीनिंग क्या लगेगा, सी वैक्टर माइनस बी वैक्टर का मोड इक्वल टू रूट टू। जब इसकी वंस अगेन स्क्वायरिंग करोगे तो देखो क्या आएगा, मोड सी स्क्वायर मोड बी स्क्वायर, तो मोड सी और मोड बी कितना आ गया, 7 और 6 13, 13 माइनस 2 11 बटे 2, ये लो इससे आ गया b डॉट c इक्वल टू 11 अपॉन टू। देखना कुछ गलती ना कर दूं मैं जल्दीबाजी में, एक बार दोबारा देख लेते हैं, 5 और 6 11, 11 माइनस ये रूट 4 ही है ना, हाँ ठीक है, 11 माइनस 4 7 बटे 4, इधर 13 माइनस 2 11 बटे 2, ठीक है चलो जो भी है। और एक लाइन और लिख देते लास्ट में, कौन सी, सी ए वैक्टर की लेंथ कहाँ चली है इसमें, रूट 3, दिस इज ए वैक्टर माइनस सी वैक्टर का मोड आपका रूट 3 है। तो वंस अगेन स्क्वायरिंग करोगे तो आप तो इससे आपको मिलेगा ए डॉट सी, तो वो कितना आएगा देखो, मोड ए स्क्वायर मोड सी स्क्वायर, 7 और 5 12 माइनस 3 9, ये लो 9 बाई 2 आ गया। मतलब आपको इस पूरी रामायण से मोड ए मोड बी मोड सी का वैक्टर गिवन है, और ए डॉट बी बी डॉट सी ए डॉट सी गिवन है। तो बस बात करो इस बॉक्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू कैसे करोगे कैलकुलेट, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखें। जब भी आपको पैलो पाइप्ड का वॉल्यूम पूछे या टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम की बात की जाए तो उसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको को टर्मिनस एजेज गिवन है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो फिर तो क्या करोगे, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों की वेक्टर फॉर्म में वैल्यू गिवन है, तीनों वेक्टर गिवन है आपको, तो आप डिटरमिनेंट की हेल्प से वॉल्यूम कर सकते हो फाइंड आउट। और सेकेंड ऑप्शन क्या है, आपको अगर ये तीनों वैक्टर हैं को टर्मिनस ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर, और आपको इनका डॉट प्रोडक्ट गिवन है ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए, तो उस केस में क्या करते हैं, उसमें ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि बेटा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के मोड का जो स्क्वायर है, ये बेसिकली अपन करते हैं इसको क्लासेज में, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के मोड का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू आती है ए डॉट ए ए डॉट बी ए डॉट सी। एक बार क्या करो, ए के साथ सबके साथ डॉट कर दो, फिर बी के साथ डॉट कर दो बी डॉट ए, और ऑर्डर में करना है बी डॉट बी, इजीली याद करना भी सिंपल है। अब सी के साथ ऑर्डर में डॉट करो
मोड ए स्क्वायर, मोड बी स्क्वायर, मोड सी स्क्वायर, ए डॉट बी, ए डॉट सी, सारे डॉट की वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर हो जाएगा फाइंड आउट का। अब गुणा भाग आप करोगे क्योंकि तो अब मेरे को बचाना है इसमें टाइम, ये करोगे आप तो इससे आगे आपका बॉक्स ऑफ, इसमें मेन थीम यही है। और एक बात बता देता हूँ मैं आपको, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी जेई में आ चुका दो बार, आईआईटी जेई ने तीन चार बार क्वेश्चन पूछ चुका है वो। एक बार तो नॉर्मल उसने पहलो पाइप का वॉल्यूम पूछा था, अगली बार बोला कि जो वेक्टर थे ना एबीसी उसमें एक वेरिएबल आ रहा था अल्फा, बोला जब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि एबीसी आर को टर्मिनस एजेज ऑफ ए पहलो पाइप एंड ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यूनिट वेक्टर्स एंड ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए इक्वल टू दिस पार्ट देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पहलो पाइप। तो उस क्वेश्चन को सेम मेथड से ही करना था ऐसे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें और इसको डेरिवेशन भी कर सकते हो आप, कुछ नहीं करना। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लेट कर दो, ए वन आई के प्लस ए टू जे के प्लस ए थ्री के कैप, ऐसे बी वन बी टू बी थ्री लेट करो और बॉक्स ऑफ ए बी सी लिखो आप उसका, और उस डिटरमिनेंट का स्क्वायर कर दो। तो दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद रो बाय रो कॉलम बाय कॉलम कैसे भी करो तो वो सॉल्व करने पे यही आ जाएगा ए डॉट ए डॉट बी, उस तरीके से इसको ड्राइव किया गया, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखें सभी विद्यार्थी, आगे ना। अब अगर बॉक्स ऑफ ए बी सी आ गया तो चलो वॉल्यूम की बात तो उससे कर दोगे आप, हो गया बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर आ गया तो ए बी सी के लिए रूट ले लेना उसका। वॉल्यूम आने के बाद अब बेस एरिया की बात करते हैं, क्योंकि ऑप्शन वन टू भी करेक्ट हो सकता है या थ्री फोर में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। बेस एरिया में क्या दिक्कत है, जब आपको ट्राइंगल की तीनों साइडें पता है तो ट्राइंगल का एरिया लिख दो ना हाफ डेल्टा हाफ ए बी साइन सी। तो देखो उसको कैसे करना, मेरी तरफ देखो, अपन इस एंगल को लेट बी लेट कर देते, सुनना केयरफुली, ये एंगल बी है तो मैं कोसाइन फॉर्मूले से कॉस बी की वैल्यू कर सकता हूँ फाइंड आउट। अब कोई भी लगा देना, कोई जरूरी नहीं कोसाइन फी लगाओ, कॉस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन दिस इनटू दिस, याद है ना। तो क्या जाएगा, फोर प्लस टू माइनस थ्री अपॉन टू इंटू टू रूट टू। तो जब ये गुणा भाग करोगे तो उससे कॉस बी आ गया कितना, छः तीन बटे चार रूट दो। अब गुणा भाग खुद करना, कॉस बी आ गया तो ट्राइंगल से आप साइन बी कर सकते हो फाइंड आउट, और साइन बी आ गया तो डेल्टा ए बी सी क्या लगोगे, एरिया डेल्टा हाफ ए सी साइन बी। बोलो आया ना, मजा आ गया, ए पता है सी पता है, ए का मतलब हाफ दिस इंटू दिस साइन बी, तो फोर रूट टू, ये ए और सी ये मत मान लेना, ए वेक्टर बी वेक्टर हाफ दिस इंटू दिस साइन बी। तो ये पुट करोगे तो आपको डेल्टा आ गया, डेल्टा आ गया तो आप देख सकते हो कि हाइट और वॉल्यूम में कौन सा करेक्ट होगा। तो ये पार्ट तो करना आपको ऐसे, ये कैलकुलेशन बेटा आप खुद करोगे। चलो उसके बाद अगले पार्ट में क्या बोला गया है, एंगल बिटवीन एजेज ओ ए एंड बी सी, ओ ए और बी सी जो एज बोल दो या लाइन बोल दो ऐसे, उनके बिटवीन आपको एंगल की बात की गई। तो एक काम करें अपन इधर से हटा दे सब कुछ, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तो सब कुछ पता है कि अभी पार्ट ए को ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये लिंक्ड वेट क्वेश्चन है, लिंक्ड वेट क्वेश्चन का मीनिंग जो पार्ट सिक्स है ना इसमें फिफ्थ पार्ट का भी यूज है, थोड़ा देखना डायरेक्ट यूज करेंगे इसमें। एंगल बिटवीन एज ओ ए, ओ ए एज और बी सी एज के बिटवीन आपको एंगल की बात की गई, तो आपको पता होना चाहिए ये ए बी सी तो इसका बेस है ये स्पेस में, तो ये ओ ए और बी सी आपकी क्या स्कू लाइंस है, तो आपको टू स्कू लाइंस के बिटवीन एंगल करना फाइंड आउट। तो स्कू लाइंस कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ओ ए वैक्टर है जो ए वैक्टर से पास होगा और ये ए वैक्टर के पैरल है, और अगला कौन सा बी सी वैक्टर, तो बी सी वैक्टर क्या होगा, चलो देख लेना जो भी है, आपको कुछ नहीं करना। ओ ए वैक्टर और बी सी वैक्टर के बिटवीन एंगल की बात की गई है, तो टू वैक्टर के बिटवीन एंगल का फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल टू ओ ए वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर अपॉन मोड ओ ए मोड बी सी। तो देखो बच्चों ब्लैक बोर्ड पे, मोड ओ ए तो कितना है रूट फाइव, मोड बी सी रूट टू, आपको ओ ए डॉट बी सी चाहिए, तो ओ ए का मीनिंग ए वेक्टर माइनस सॉरी डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर अपॉन मोड ओ ए आ गया रूट फाइव, ये आ गया रूट टू। और बेटा इसका मीनिंग क्या है, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, तो आप ए डॉट बी और ए डॉट सी फाइंड आउट कर चुके हैं ना, तो इससे कॉस थीटा आ गया, मतलब ये दो स्कूल लाइंस के बिटवीन एंगल फाइंड आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो तो ये कर दोगे वेरीफाई कि वन और टू में से कौन सा करेक्ट होगा, इसमें ए डॉट बी ए डॉट सी इक्वल नहीं है, तो
कॉस थीटा जीरो तो नहीं सकता ना, तो थीटा 90, तो सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। ये लो, इसमें ए डॉट बी कितना है 7/2 माइनस ए डॉट सी कितना है 5/2, ए डॉट सी आ गया 9/2 अपॉन रूट 10 आ गया, तो ये आ गया 1/√10, हाँ है ना। तो 1/√10 का मीनिंग नहीं, इसने तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 2/√10, मजा नहीं आया, तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत होगा, सेकंड ऑप्शन भी गलत है। अभी तो एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√10 होगा इसका, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में क्या मेंशन करना है, एंगल बिटवीन दी फेस ओएबी, जो आपका ओएबी फेस है, देखो ब्लैक बोर्ड पे, ये तो है फेस ओएबी और नेक्स्ट लेनी है एज बीसी, ठीक है ना। इस फेस, ये फेस ऐसे होगा स्पेस में, तो इस फेस, ये फेस का ये एंगल बताना है, ये हवा में ध्यान रखना, ये ऐसे मान लो यहाँ पे ये एंगल आपको चाहिए, तो क्या करना है, फेस का मीनिंग प्लेन हो गया, एज का मीनिंग लाइन हो गया, तो आपको प्लेन और लाइन के बिटवीन बताना है एंगल। तो क्या करते हैं बताओ, प्लेन चलो इसको रिमूव कर दें इधर से, प्लेन ओएबी एंड लाइन बीसी वेक्टर के बिटवीन आपको एंगल की बात की गई है, तो एक प्लेन और लाइन के बिटवीन एंगल के लिए क्या करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, देखो मैं ऐसे समझाता हूं आपको, ये प्लेन है, ये लेट आपकी लाइन है, तो प्लेन और लाइन के बिटवीन एंगल चाहिए, तो क्या करोगे, प्लेन और लाइन के बिटवीन एंगल में क्या करते हैं बोलो, साइन थीटा का फॉर्मूला ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, हाँ है ना, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। अरे यार, लाइन और लाइन हो या प्लेन और प्लेन हो, फिर तो फॉर्मूला लगती है कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, इसमें ए और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर तो लाइन के डी आर एस है और ए वेक्टर प्लेन के नॉर्मल के डी आर एस है, ठीक है ना। तो देखो जो आपका प्लेन है ओ ए बी, आपको थोड़ा समझ सकते हो, इस प्लेन के नॉर्मल के डी आर एस लिखने आपको, तो क्या करें अपन कर देते हैं ओ ए क्रॉस ओ बी, तो जो ओ ए क्रॉस ओ बी, इसको मान लो आप ए वन वेक्टर, इसे आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है आपका, ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी आपका क्या होगा, फेस ओ ए बी के परपेंडिकुलर होगा, इसे लेट ए वेक्टर, और जो लाइन बी सी है इसका बी ए टू वेक्टर मान लेते हैं, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, क्योंकि ये लाइन किसके पैरेलल है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के पैरेलल है, तो अगला मान लेते हैं ए टू वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है आपको, तो देन दोनों के बिटवीन एंगल इज साइन थीटा इक्वल टू ए वन डॉट ए टू अपॉन मोड ए वन मोड ए टू, और ए वन की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए टू वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर अपॉन मोड ए वन। अब देखो ए वन की वैल्यू क्या बोलो, ए क्रॉस बी का डिटरमिनेंट इनटू ए टू वेक्टर का मीनिंग बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मोड, देखो उसमें सब कुछ पता है, जब ए क्रॉस बी को बी के साथ डॉट किया तो दो वेक्टर सेम है, तो बॉक्स ऑफ ए बी बी जीरो आ गया ना, और ए बी को सी के साथ करो क्या आएगा, बॉक्स ऑफ ए बी सी, माइनस पे ध्यान मत देना क्योंकि अपन बात करेंगे एक्यूट एंगल की, तो ये तो आ गया बॉक्स ऑफ ए बी सी, और अपॉन में क्या है ए क्रॉस बी का मॉडुलस और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, देखो अपन को सबकी वैल्यू पता है, बॉक्स ऑफ ए बी सी स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर चुके हैं, ए क्रॉस बी क्या, देखो ये ए क्रॉस बी आपके इस प्लेन का एरिया है, हाँ है ना, ये ए वेक्टर पता है अपन को, बी वेक्टर पता है, तो इस प्लेन का एरिया क्या होगा, हाफ, बोलो ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या होगा, इसका एरिया लिख सकते हैं ना, डेल्टा ओ ए बी इक्वल टू हाफ ओ ए क्रॉस ओ बी, तो इसको अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, बोलो किसी को दिक्कत है क्या, तो आपके पास सारी वैल्यूज पता है तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, और कोई नहीं इससे बेटर और ऑप्शन है मेरे पास, ऐसे कर देना, किधर करें, इधर देख लो, इधर देख लो, आपको चाहिए ए क्रॉस बी का मोड, इसकी स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या आ गया मोड ए इस पर मोड बी इस पर साइन स्क्वायर थीटा, तो एक काम करो ना, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर मैंने साइन थीटा चाहिए, तो एक काम करें
ये साइन थीटा क्या होगा, इन दोनों के बिटवीन एंगल है ओ और ओबी के। तो साइन थीटा की वैल्यू के लिए क्या करोगे, देखो इस थीटा के लिए ये लेंथ पता है मेरे को, ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो वंस अगेन कोसाइन फॉर्मूले से कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है, तो थोड़ा लेंथी है बट एक गुड क्वेश्चन है इसमें, देखो तो सारी चीजों की हेल्प यूज की अपन ने, चलो ठीक है। तो आप देखना इसके कौन कौन से ऑप्शन मैच करते हैं, उसके बाद देखो पैसेज टू, देखो पैसेज टू में क्या करना है, लेट बी एन डिनोट्स द इवेंट दैट एन फेयर डाइसेज आर रोल्ड वंस विद पी बी एन इक्वल टू वन अपॉन टू की पावर एन। इसका मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन इक्वल टू वन अपॉन टू की पावर एन, इसका मीनिंग बोला गया कि आपने जैसे लेट एन को वन लिया तो पी बी वन इक्वल टू आ गया वन बाई टू, इसका मतलब आपने एक फेयर कॉइन को टॉस किया है तो उसको टॉस करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, आपने दो फेयर कॉइन को टॉस किया तो उनको टॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, इसका मतलब 1/4 होगी अप टू सो ऑन। ये वन कॉइन को टॉस करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टू कॉइन को टॉस करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 स्क्वायर, थ्री कॉइन को टॉस करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर 3 अप टू सो ऑन बोला गया। आफ्टर दैट क्या बोला गया, देखो B1, B2, B3, BN आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ये सारे के सारे क्या डिस्जॉइंट इवेंट है, मतलब एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंट एक तरीके से समझ सकते हो। इवेंट ए अकर्स विद एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट B1, B2, BN, मतलब एक इवेंट ए है वो या तो B1 में होगा या B2 या B3 में या BN में, किसी एक में हो सकता है, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट, मतलब जो इवेंट ए है वो एनी वन में से अकर हो सकता है। डिनोट्स एंड डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन दी डाइस इज एस, इसका मीनिंग क्या है, जैसे लेट आपने एक डाइस को थ्रो किया तो उस पर जो भी डिजिट होगी ना उसका सम सिंगल होगा ना उसको एस नेम दिया गया, आपने दो फेयर कॉइन को टॉस किया तो दोनों पे जो डिजिट अपीयर होगी उसका सम एस मानना अपन को। चलो अब अपन बात करते हैं 1/1 क्वेश्चन की, सेवेंथ क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो If even number of dice has been rolled, then probability that S equal to 4. इसका मीनिंग क्या है कि सम आपका अगर 4 आता है, पता नहीं कितने डाइस को थ्रो करते हो, उन डाइस को थ्रो करने पे सम 4 आना चाहिए, तो बताओ सम 4 आने की प्रॉबर्टी क्या होगी। बट जो डाइस थ्रो करने वो इवन नंबर में ड्रॉ करने, इसका मतलब या तो दो डाइस थ्रो करोगे या 4 या 6, तो एक बात बताओ सम आपको 4 लाना है और जब डाइस को थ्रो करोगे तो मिनिमम डिजिट 1 होगी ना, तो जब आपने 4 डाइस को थ्रो किया तो मिनिमम सम 4 होगा ना, और आपने 6 डाइस को थ्रो किया इवन में 6 को थ्रो किया तो सम मिनिमम 6 होगा, बट हमको तो सम 4 लेके आना है, इसका मीनिंग फिक्स हो गया कि या तो आप 2 डाइस थ्रो करोगे या 4 डाइस थ्रो करोगे, तो सीधा आंसर है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू। तो एक बात बताओ आप अगर 2 डाइस को थ्रो कर दो तो 2 डाइस को थ्रो करने पे सम 4 कब कब आ सकता है बताओ, या तो 1-3 आए या 2-2 आए या 3-1 आए, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो 2 डाइस को थ्रो करने पे सम इज 4, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटरसेक्शन S सम इज 4, ये कितना आ गया 3/36, 6 का स्क्वायर, तो 2 डाइस को थ्रो किया है। सिमिलरली अगर आप 4 डाइस को थ्रो कर दो इंटरसेक्शन सम इज 4, तो क्या होगा इसमें बताओ, इसमें केवल एक ही मामला होगा, चारों पे 1-1 बना जाए, तो एक ही केस हुआ ना, तो सीधा लिख दें इसमें, इसमें क्या होगा ओनली 1, 1, 1, ये 4 डाइस को थ्रो किया है, तो इस केस में लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B4, 4 डाइस को थ्रो करने पे सम इज 4, देन 1/6 की पावर 4, यस सर, तो देन आपके क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या लिखोगे,
आप अगर दो डाइस को थ्रो करो इनटू टू डाइस को थ्रो करने पे सम फोर आए, प्लस आप अगर फोर डाइस को थ्रो करो तो फोर डाइस को थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी इनटू उन पे वंस अगेन सम आपका फोर आए, तो वैल्यू पुट कर दो, दिक्कत क्या है। ये लो पी वी टू का मतलब दो डाइस को थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी वन अपॉन टू का स्क्वायर इंटू दिस इज थ्री अपॉन सिक्स का स्क्वायर, प्लस फोर डाइस को थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी वन अपॉन टू की पावर फोर इंटू उन पे सम आपका फोर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी वन अपॉन सिक्स की पावर फोर, उसके जब गुणा भाग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू आती है, नियरेस्ट वैल्यू आती है वन बाय सिक्सटीन आएगी फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो गुणा भाग करके देखना, दिख जाएगा आंसर आपको। चलो ये तो बात हुई सेवन्थ पार्ट की, सिंपल है। अब एट पार्ट में क्या करना है, देखो एस इक्वल टू थ्री, मतलब सम अगर थ्री आता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू अपॉन एस की वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं, देखो एस थ्री आ गया, चलो देखते कैसे आएगा एस थ्री। पी ये वेज थ्योरम का क्वेश्चन है, इसका मीनिंग क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू इंटरसेक्शन एस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, इसका मीनिंग क्या लिखोगे कि सम अगर थ्री आता है तो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि सम थ्री आपका टू डाइस को थ्रो करने पाना चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं होगा, देखो सम थ्री लाना है तो आप मैक्सिमम डाइस को थ्री बार टॉस कर सकते हो, तो या तो एक बार टॉस करोगे या दो बार टॉस करोगे या तीन बार टॉस करोगे। तो पहले तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू थ्री, तो सीधा लिखते हैं आंसर। आपने एक डाइस को थ्रो किया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, वन बाय टू इंटू एक डाइस को थ्रो करने पे सम तीन आना चाहिए, तो उसका एक ही ऑप्शन है कि तीन आ जाए, तो वन बाय सिक्स आ गया ना, सीधे टाइम बच जाएगा। प्लस आपने टू डाइस को थ्रो किया टू अपॉन टू की पावर टू, और टू डाइस को थ्रो करने पे सम तीन कब कब आ सकता है, तो अपॉन में तो क्या आएगा, दो डाइस को थ्रो करने का मीनिंग सेम प्लेस पे आ गया सिक्स स्क्वायर, और टू डाइस को थ्रो करने पे सम थ्री लाना है तो एक दो या दो एक हो सकता है बस, तो कितने ऑप्शन होंगे, टू ऑप्शन। प्लस आपने अगर थ्री डाइस को थ्रो किया है तो वन अपॉन टू की पावर थ्री प्रोबेबिलिटी, और थ्री डाइस को थ्रो करने पे सम आना चाहिए तीन, तो तीनों पे एक एक आना चाहिए, तो फेवरेबल केस तो ओनली वन होगा और सिंपल स्पेस आ गया सिक्स, तो थोड़ा गंदा सा मामला होगा। ये आ गया सम थ्री, और न्यूमेटर में क्या है, सम थ्री आना चाहिए लेकिन आपने टू डाइस को थ्रो करना है, तो उसकी प्रॉबर्टी यही है ना, टू डाइस को थ्रो करने पे सम आपका थ्री, तो उसका फाइनल आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, फिनिश, ठीक है। तो इसके कैलकुलेट करना तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें शायद सेकंड ऑप्शन आता है, ठीक है। चलो तो ये पैसेज मेरे अकॉर्डिंग तो सिंपल है, फिर देखिए पैसेज नंबर थर्ड। पैसेज थर्ड में क्या करना है, देखो आपको L1 L2 टू लाइंस गिवन है वेक्टर फॉर्मेट में, डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइन इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेन द लाइन L1 एंड L2। देखो क्या करना है, जरा आपको L1 लाइन गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये तो आपको L1 लाइन गिवन है। सिमिलरली एक सेकेंड लाइन गिवन है L2 इज, ये किस पॉइंट से पास होती है, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस एक है, तो थोड़ा दिख रहा होगा सबको, देखो ये दोनों वेक्टर सेम है, इसका मतलब ये बोथ लाइंस आर पैरेलल, मतलब ये स्क्यू लाइंस नहीं होंगी, सीधी सीधी बात है। एक लाइन की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि वो लाइन आपकी ए वेक्टर किस से पास होती है, बी वेक्टर के पैरेलल है, ए वेक्टर से तो पास होगी और बी वेक्टर के आपके पैरेलल होगी। तो मैं इनको फटाफट एक काम करते हैं, इसको कार्टेशियन फॉर्म में समझाने की ट्राई करते हैं, उससे जल्दी आंसर जाएगा। पहली बात तो पता चल गया बोथ लाइंस आपकी पैरेलल है, ये लाइट L1 है, ये लाइट आपकी L2 है। L1 लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 माइनस 3 4, क्या लिखोगे बोलो,
ये लेट पॉइंट ए 2-3-4 से पास होती है, और लेट एल टू लाइन आपकी पास होती है कहां से, 1-1 एंड 1 से। अब आप पॉइंट ए बी को इसके जस्ट नीचे मत मानना कि पॉइंट ए से एल टू लाइन पे आपने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, इसी को मान लो ना, कोई गारंटी थोड़ी है कि इसका परपेंडिकुलर पॉइंट बी होगा, इसको नॉर्मल लेट करें, होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। अब आपको ये लेंथ चाहिए लेट ए एम, तो इस ए एम लेंथ ये पूछा ना कि एल वन एल टू के बिटवीन डिस्टेंस बताओ आप, तो क्या करना है देखो, अगर ये बोथ लाइंस होती इसकी लाइंस, तो फिर तो एच डी का फॉर्मूला सिंपल है, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन बी वन क्रॉस बी टू का मोड। अब क्या करना है देखो, बहुत सारे मेथड हैं, चाहो तो उसको पहले कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो, एक्स माइनस वन अपॉन, समझा देता हूँ आपको, काफी सारे ऑप्शन है इसको, इसको लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन थ्री इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन, ये आपकी एल टू लाइन है। तो क्या करो, पॉइंट बी से लेट आर डिस्टेंस पे आप पॉइंट लेट करो एम, तो इसको कर दो इक्वल टू आर, पॉइंट एम आ गया, ए एम लाइन के निकालो डी आर एस, और एल टू के डी आर एस अपन को पता ही है 236, और आप लिख सकते हो ए एम परपेंडिकुलर टू दी एल टू, ये प्रोसीजर याद करें आप, ए एम अगर एल टू के परपेंडिकुलर है तो ए वन ए टू पर बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, जैसे जीरो करोगे तो आपको आर की वैल्यू मिलेगी, आर आ गया तो पॉइंट एम आ गया, ए एम डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, एक ऑप्शन तो ये हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन क्या, वो भी थोड़ा इतना ही लेंथ ही पड़ेगा आपको, सेकेंड ऑप्शन में क्या करो, इस पॉइंट ए को आप बी से ज्वाइन कर दो, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है आपको, तो देखो ना ये लेट एंगल मान लो आप थीटा, पॉइंट ए पता है बी पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप ए बी की बात कर सकते हो, क्या होगा ए बी इक्वल टू रूट ऑफ दिस माइनस दिस, तो 1 आ गया, माइनस 4 16 आ गया, प्लस 9 आ गया, तो कितना आ गया 10, रूट 26 आ गया, तो देखना कुछ गड़बड़ी तो नहीं है इसमें, सही है ना, एक बार देखो दोबारा, 2-1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 3 प्लस 1 हो गया ना, तो ये प्लस 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सॉरी क्या हो गया बोलो 4, तो ये आ गया रूट 14। अब देख लेना जो भी है, ये ए बी डिस्टेंस आ चुकी है, ए बी डिस्टेंस आने के बाद देखो क्या करना अपन को, ए बी डिस्टेंस पता है आपको, ये करनी है फाइंड आउट कि थीटा क्या होगा, ए बी और एल टू लाइन के बिटवीन एंगल, तो ए बी के डी आर एस लिखो, ए बी के डी आर एस लिखेंगे 2-1 इज 1 माइनस 3-1 इज माइनस की 2-4-3, ये ए बी के डी आर एस है और एल टू लाइन के डी आर एस है 2-3-6, तो बात उतनी पड़ेगी, तो दो लाइन के बिटवीन एंगल का फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, कॉस थीटा आ गया तो उससे साइन थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा आ गया तो सीधी बात है साइन थीटा इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी, तो ए एम की लेंथ आपको फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये सिंपल क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी, है लेंथी बट सिंपल है, ये तो हो गया ऐसे, और ऐसे ही करें आप इसको, वेक्टर फॉर्म से करना मतलब इसको आप एज ए ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मेट से करो, जल्दी आंसर आएगा, डिस्टेंस लेके दो लाइन के बिटवीन एंगल के फॉर्मूले से कॉस थीटा आ गया तो साइन थीटा फाइंड आउट करें, और वंस अगेन सॉल्व, और ये मेथड है ये कि एक्स को इक्वल टू आर मानो, ए एम आ गया ये आ गया तो सीधा आर आने के बाद पॉइंट एम आ गया, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो जैसी आपकी इच्छा वो देख लेना। फिर अगला पार्ट है 10th, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन एल वन एंड एल टू, एल वन एल टू को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन को आपको करना फाइंड आउट, ठीक है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या करना है, अपन एक प्लेन ड्रॉ करते हैं जिसमें एल वन और एल टू दोनों लाइन कंटेन है, पहली बात तो ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है ना, तो ऐसे होगा डायग्राम, इस लाइन की डी आर किसी एक के लिख दो 2-3-6, ये लेट एल वन ए लेट एल टू, ठीक है, लाइन ए आपकी पास होती है पॉइंट ए 2-3-4 से, और लाइन बी पास होती है पॉइंट बी से 1-1-1 से, तो एक बात बताओ, एक प्लेन की इक्वेशन के लिए आपको 3 कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो एक काम करें अपन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, तो क्या लेट करोगे, ए ऑफ एक्स माइनस टू प्लस बी ऑफ वाई प्लस थ्री
प्लस सी ऑफ जेड माइनस फोर, ये क्या वन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन। अब क्या करें, दिस प्लेन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दी पॉइंट वन माइनस वन वन, इनको पुट करोगे तो क्या जाएगा, वन माइनस टू माइनस ए प्लस टू बी माइनस थ्री सी इक्वल टू जीरो, मतलब ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक क्या करोगे, इस प्लेन के नॉर्मल के डी आर एस तो कितने हैं, ए बी सी, और ये प्लेन का नॉर्मल इस L2 लाइन के या L1 लाइन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन के नॉर्मल की डी आर एस ए बी सी और लाइन के डी आर एस का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो हो गया ना, तो 2A प्लस 3B प्लस 6C इक्वल टू जीरो। तो अब करना क्या, दो ऑप्शन है, या तो सेकेंड और थर्ड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करें और इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो, या फिर आपको करना क्या है, इक्वेशन वन सेकेंड और थर्ड से ए बी सी का एलिमिनेशन करना है। तो आप सबको आना चाहिए, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का पार्ट है कि थ्री इक्वेशन से आपको थ्री वेरिएबल का क्या करना है, एलिमिनेशन, तो उनके कॉफिशियंट से बनने वाली डिटरमिनेंट को सीधा क्या कर देते, जीरो। तो क्या करना, इन तीनों के कॉफिशियंट से बनने वाली डिटरमिनेंट को जीरो कर दो, तो इक्वेशन वन में तो कॉफिशियंट क्या होगा, एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड माइनस फोर, इधर क्या होगा, वन माइनस टू थ्री एंड दिस इज टू थ्री सिक्स, खत्म। इसको सिंपलीफाई करना तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी पैसेज आपका सिंपल है। चलो अब अपन बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट, लिखो सेक्शन बी। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि ए बी सी आपके थ्री वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड बोला गया वन फाइव एंड थ्री, लिख लेते हैं। आपको गिवन है मॉड ए वेक्टर वन है, मोड वी वेक्टर 5 है और मोड सी वेक्टर आपका 3 है। आपको ए वेक्टर बी वेक्टर के बिटवीन एंगल बोला गया थीटा, देखो इधर ए वेक्टर एंगल बी वेक्टर आपको करना थीटा एंगल, तो बताओ टेन थीटा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। और एक रिलेशन क्या है, ए वेक्टर क्रॉस, अब थोड़ा सोचना करना कैसे, देखो ब्लैकबोर्ड पे थोड़ा केयरफुली, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल आपको थीटा मेंशन है। तो एक बात बताओ, जब ए क्रॉस बी करोगे तो ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ए क्रॉस बी और ए वेक्टर के बिटवीन एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो एक काम करें अपन दोनों तरफ ले लेते हैं इसका मोड, सीधा आंसर आ जाएगा। तो क्या जाएगा, ए वेक्टर का मोड, ए क्रॉस बी का मोड, साइन 90 इक्वल टू मोड सी, ये लो मोड ए की वैल्यू पुट कर दो, मोड सी की वैल्यू पुट कर दो, तो मोड ए तो मैंने हटा दो, और ए क्रॉस बी का मोड वंस अगेन मोड ए मोड बी साइन थीटा इक्वल टू मोड सी आ गया। मोड ए वन हटाओ, मोड बी की वैल्यू 5 है, मोड सी की वैल्यू 3 है, तो साइन थीटा आ गया आपका 3 अपॉन 4। तो टेन थीटा क्या होगा, साइन की वैल्यू गिवन है 3 और 5, तो टेन थीटा क्या होगा प्लस माइनस थ्री अपॉन, ये डिपेंड करेगा कि थीटा विच क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों में हो सकती है, तो फर्स्ट में टेन थीटा पॉजिटिव होगा, सेकंड में टेन थीटा नेगेटिव, तो इसका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलें उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना, सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको टू लाइन गिवन है, आर टू स्ट्रेट लाइन, देन देर आर कंटेंट इन ए प्लेन इन स्पेस, क्या दो लाइन एक प्लेन में लाई करती हैं, देर एग्जिस्ट नो प्लेन पासिंग थ्रू देम, मतलब कोई भी प्लेन इनसे पास नहीं होता है, इफ ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑन दीज रेस्पेक्टिवली, मतलब ए और बी दो पॉइंट इन लाइंस पे, देन ए बी कैन बी एट, ए बी कैन बी एट, कैन नॉट बी एट, कि ए बी का मान एट नहीं हो सकता। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि ए बी आर टू पॉइंट्स ऑन दीज रेस्पेक्टिवली, देन
ए बी कैन बी जीरो, ए बी टेन हो सकता है। तो देखो उसमें क्या होगा बेसिकली, पहली बात तो जो दो लाइन गिवन है आपको, इनके डी आर एस डिफरेंट है, इसका मतलब ये लाइन क्या है, नॉन पैरेलल, ये दो नॉन पैरेलल लाइन है। तो बेटा टू लाइन्स अगर नॉन पैरेलल हैं तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, टू लाइन्स अगर नॉन पैरेलल हैं तो वो सेम प्लेन में हो सकती है ना। तो अगर टू लाइन आपकी नॉन पैरेलल है, या फिर ऐसा समझ लो कि टू लाइन अगर नॉन पैरेलल है और अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो 100% लाइज इन ए प्लेन, और अगर टू लाइन्स, और हाँ एक बात और कि टू लाइन्स अगर नॉन पैरेलल है और लाइज इन ए प्लेन तो उनके बिटवीन मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, जीरो। और अगर टू लाइन्स आर लाइज इन दी टू डिफरेंट नॉन पैरेलल प्लेन्स तो दीज आर सेड टू बी स्क्यू लाइन्स, तो स्क्यू लाइन्स के बिटवीन अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर सकते हैं फाइंड आउट। तो उसमें देखो कुछ नहीं करना, अलग वे में सोचो थोड़ा, आपको टू लाइन गिवन है एलेवन एल टू, तो अब मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि इनको मैं स्क्यू लाइन सेलेक्ट करूँ कि, या तो इनको एलेवन एल टू को दोनों को स्क्यू लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एलेवन एल टू आर नॉन पैरेलल एंड लाइज इन दी सेम प्लेन। तो अगर दोनों लाइन नॉन पैरेलल है और सेम प्लेन में लाई करती हैं तो 100% उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी ना। तो अपन क्या करेंगे, आपको एल वन एल टू लाइन गिवन है तो इनके बिटवीन निकालो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मोड ऑफ, ये फॉर्मूला यूज करें, डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला है। ये क्या है, ए वन से एल वन लाइन पास होती है, ए टू वैक्टर से एल टू लाइन पास होती है, जो आपको वैक्टर में गिवन है, बी वन बी टू दोनों लाइन के डी आर एस का क्रॉस मल्टीप्लाई है। जब आप ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो ये आती है वैल्यू सोल्व करने पे 9, सुन लो कान सोल्व खुद करना, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 9 आती है, मतलब इन टू लाइन के बिटवीन एच डी आपकी 9 है, इसका मतलब ये बोथ लाइन्स आर नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब ये बोथ लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स है, और अगर टू लाइन आपकी स्क्यू लाइन्स है तो वो डिफरेंट प्लेन में लाई करती हैं, तो देन दी लाइन्स आर नॉट लाइन इन दी सेम प्लेन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। और अब आप एक बात खुद सोचो कि टू लाइन आपकी टू डिफरेंट प्लेन में है, उनके बिटवीन अगर मिनिमम डिस्टेंस आपकी 9 है, तो ए और बी दो पॉइंट अगर लाइन पे लेट करोगे तो उनके बिटवीन डिस्टेंस 8 कभी नहीं हो सकती, मिनिमम डिस्टेंस आपकी 9 होगी, तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, उसने बोला है ए कैन नॉट बी 8। फोर्थ ऑप्शन बोला गया कि ए बी मे बी 10, हाँ हो सकता है, जब मिनिमम डिस्टेंस आपकी 9 है तो 100% आप उन दो पॉइंट के अलावा जिन, जैसे लेट माना ये डिस्टेंस आपकी शॉर्टेस्ट है इन दो पॉइंटों के रेस्पेक्ट में, तो अगर ए पॉइंट मैंने इधर लिया और बी पॉइंट इधर माना, तो फिर ये डिस्टेंस 100% क्या होगी, 9 से ग्रेटर होगी, तो 9 से ग्रेटर कुछ भी आ सकता है, वो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इसका सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बस इसको एक ऑब्जर्वेशन से देखना था, मेनली इसमें यही कहता कि आप सीधा एच डी फाइंड आउट करो, उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। चले नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया आपसे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स, ए और बी आपके नॉन कोलिनियर, दोनों अलग अलग लाइन पे हैं और दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, मतलब मोड ए इक्वल टू मोड बी वेक्टर आपको 1 गिवन है, और एक यू वेक्टर गिवन है आपको, यू वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू बी वेक्टर, और एक बी वेक्टर गिवन है बेटा ए क्रॉस बी, तो बताओ मोड बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो सकती है, तो मोड बी क्या हो सकता है, ए क्रॉस बी, तो ये तो कोई ऑप्शन है नहीं ना, आंसर मोस्टली यू की टर्म में गिवन है। तो देखो इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पार्ट क्या, मैं बताता हूं आपको, ये जो यू वेक्टर गिवन है ये आपका थ्री वेक्टर का क्या क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके आगे वन लगा दो, उस वन को लिखने में क्या बुराई है, बी डॉट बी, अभी समझ जाओगे आप, इसको बी डॉट बी लेट करो आप, क्योंकि बी डॉट बी मोड बी स्क्वायर की वैल्यू होगी तो इसको लिख सकते हैं, और अब आप ध्यान दोगे तो पता है क्या चीज़ है, ये आपका है बी वेक्टर क्रॉस, कैसे मान लेते हैं, बी वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस ए का ये फर्स्ट, या सॉरी ए क्रॉस बी करो ये ज़्यादा बेटर है, तो दिस इंटू दिस फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट इंटू थर्ड का डॉट इंटू सेकेंड वेक्टर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, आगे ना
मतलब मैं यू वेक्टर ये मान सकता हूँ, और ये अगर लेट कर दिया तो इससे मोड यू कितना आएगा ये भी लिख के छोड़ दो एक बार, क्या पता जरूरत पड़ जाए। बी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी का मोड, इतना आने के बाद इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट और है वो भी आपको बता दी जाएगा शायद। इसमें क्या करना है, ये जो आपका यू वेक्टर कहां चला गया वो, इस यू वेक्टर को आप करो बी के साथ डॉट, तो इस यू को आप बी के साथ डॉट करोगे तो क्या आ गया, यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी इंटू बी डॉट बी, सही है ना। इसके साथ डॉट किया और आपने बी के साथ डॉट किया तो बी डॉट बी तो वन हो गया, हटाओ तो ए डॉट बी से ए डॉट बी कैंसिल, तो उससे आ गया u वेक्टर डॉट b वेक्टर आपका जीरो है। u वेक्टर डॉट b वेक्टर अगर आपका जीरो है तो देखो सुनो मुद्दे की बात, हाँ मतलब u डॉट b जीरो है तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन को सीधा मैं u वेक्टर का मोड और मोड u वेक्टर लिख सकता हूँ क्योंकि u डॉट b आपका जीरो है। इसके बाद देखो इसमें बेसिकली करना क्या है मेरे को, ये जो अपन ने लिखा है इसको ऐसे लिखने में क्या बुराई है, मोड b a क्रॉस b का मोड, और एक बार बताओ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आपका इसके परपेंडिकुलर होगा तो b वेक्टर के साथ इसका एंगल 90 है तो साइन 90 बना जाएगा, हटाओ मतलब u डॉट u वेक्टर को मैं ही लिख सकता हूँ ना, और मोड b बने तो इसको भी हटाओ तो क्या गया, ये लॉग हो गया क्वेश्चन फिनिश। मतलब u वेक्टर का मोड है आपका a क्रॉस b का मोड और b वेक्टर का मोड भी आपका a क्रॉस b का मोड है, इसका मतलब जो b वेक्टर की मॉडुलस की वैल्यू है वो क्या होगी, मोड u वेक्टर के इक्विवेलेंट होगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट होगा, सेकंड थर्ड भी करेक्ट है क्योंकि u डॉट b आपका जीरो है तो सेकंड ऑप्शन भी u वेक्टर का मोड बन गया और थर्ड ऑप्शन भी u वेक्टर का मोड बन गया, तो इसके ऑल फोर ऑप्शंस आर करेक्ट। चलो उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, ये तो एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, आप करना कुछ नहीं सिंपल सी बात बोली गई है। इसमें आपको टू पॉइंट गिवन है ए और बी, ए गिवन है आपको बी गिवन है और ये पी पॉइंट आपको अल्फा कोमा बीटा करना फाइंड आउट, और ये ट्राइंगल बोला गया इक्विलेटर ट्राइंगल, तो कुछ नहीं करना सिंपल, पांच मिनट टाइम लगने वाला है आपको। ए और बी पता है तो आप ए बी डिस्टेंस करना फाइंड आउट, ए पी डिस्टेंस लिखना और पी वी डिस्टेंस या बी पी डिस्टेंस, ए पी ए बी और बी पी डिस्टेंस करना कैलकुलेट, ये करने के बाद कुछ नहीं करना। एपी डिस्टेंस में क्या होगा, अल्फा बीटा का रूट होगा, और बीपी डिस्टेंस में क्या होगा, अल्फा बीटा का रूट। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन वन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड फटाफट आप क्या करना, इक्वेशन सेकंड में से थर्ड को कर देना माइनस, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल होकर क्या होगा, एक अल्फा बीटा में जाएगा रिलेशन, एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी आपको। और ये आने के बाद एक काम करना, ये लीनियर इक्वेशन आने के बाद ये इक्वेटेड ट्राइंगल है तो मैं एपी को एबी की लिख सकते हैं ना, अरे एपी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एपी की वैल्यू आपकी ए बी की इक्वल होगी ना, तो किसी भी एक इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो बीटा में क्वाड्रेटिक बनेगी, बीटा की दो वैल्यू करस्पोंडिंग आपको अल्फा की भी टू वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। सबसे बेटर ऑप्शन यही मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो इसको खुद करना सॉल्व। चलो अदरवाइज 2D के काफी सारे मेथड है कि इस पर ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, बट वो टाइम वेस्टेज है मेरे अकॉर्डिंग, तो है मेथड। देखो क्या कर सकते हो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, आप इससे करो परपेंडिकुलर तो ये मिड पॉइंट होगा ना, ये पता है तो मिड पॉइंट आ गया डी, ये आपको गिवन है तो आप क्या करना, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप का 90 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है, तो इससे अल्फा बीटा में एक रिलेशन मिलेगा, बट ये भी कॉम्प्लेक्स है। और एक बार ए बी लाइन का स्लोप और ए पी लाइन की स्लोप, ये एम वन मानो इसको एम टू मानो, और टेन 60 डिग्री का फॉर्मूला एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू का मोड, एक बार टेकिंग प्लस लोगे एक बार टेकिंग माइनस, तो इससे भी अल्फा बीटा में रिलेशन होगा, इससे भी अल्फा बीटा में, तो उनको भी सोल्व कर सकते हो, बट ये और भी लेंथी प्रोसीजर मेरे अकॉर्डिंग, तो वेट ऑफ सुनिए ये गुणा भाग कर देना आप। चलो ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था ये तो।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जी, देखो क्वेश्चन फिफ्थ में क्या करना अपन को, लेट ए प्लेन पी पासिंग थ्रू ए बी सी, एक प्लेन आपका ए बी सी पॉइंट से पास होता है, चलो देखते हैं इसका यूज क्या होगा, एंड ए लाइन एल विद पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब एक लाइन एल है जिसकी डायरेक्शन कोसाइंस पॉजिटिव है, पासिंग थ्रू दी पॉइंट ए एंड बाइसेक्ट बी सी सेगमेंट। देखो आपको बी गिवन है, आपको सी गिवन है, माइनस वन थ्री कोमा टू एंड सेवन फाइव और टेन, एक लाइन क्या है वो पॉइंट ए से तो पास होती है और इसको डिवाइड करती है, पॉइंट ए भी आपको गिवन है कितना लैम्डा थ्री एंड म्यू, तो ये मिड पॉइंट कितना होगा एम सेवन थ्री फोर और फाइव, तो एम लाइन की डीआरएस क्या होंगे लैम्डा माइनस थ्री माइनस वन एंड म्यू माइनस फाइव। अब एक बात बताएं, अगर ये दोनों लाइन सॉरी ये एम लाइन तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाती है, कह रहा ना कि एंड मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर ये तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है इसका मतलब इनके जो डायरेक्शन रेशियो हैं ये एक तरीके से इनका रेशियो सेम होगा ना, मतलब अरे समझे मेरी बात, अगर तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाती है या तीनों के साथ इक्वल एंगल है मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल होंगे, मतलब इन तीनों के एलाइनमेंट इक्वल हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो आपका सेम होगा, तो सीधा क्या करो उसको इसके इक्वल कर दो, तो लैम्डा तो आ गया टू और इनको इक्वल करो तो म्यू आ जाएगा आपका फाइव माइनस वन इज, कोई गड़बड़ी तो नहीं है इसमें, म्यू माइनस कितना है म्यू माइनस फाइव, तो इससे म्यू हो जाएगा आपका कितना फोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लैम्डा म्यू को कर सकते हो फाइंड आउट, कोई गड़बड़ी इसमें, एक बार देख लेना गुणा भाग, सॉरी दस और दो बारह छः था, ये कितना है टेन और टू सिक्स बाय सिक्स लोगे तो ये आ जाएगा फाइव, तो लैम्डा टू आ गया म्यू आपका फाइव आ गया, तो देन आपका एक सेकेंड सॉरी तो देन आपका पॉइंट ए क्या होगा, वैल्यू पुट कर देते हैं टू थ्री फाइव, पॉइंट बी आ गया माइनस वन थ्री टू एंड पॉइंट सी अपना है सेवन फाइव टेन, बस इसका इसकी हेल्प तो ये थी बस, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। अब आगे चलते हैं अपन, हाँ एंड लाइन एल वन वी पैरेलल टू दी एल, एक लाइन एल वन है जो एल की तो पैरेलल है, तो एक काम करो ये लाइन एल है ना आपकी, पॉइंट ए गिवन है आपको पॉइंट एम पता है, ये पॉइंट ए आपका और एक पॉइंट एम कितना है इसका मिड पॉइंट थ्री फोर सिक्स, तो एम लाइन की डीआरएस क्या होंगे थ्री माइनस टू वन वन एंड वन, ये लो सही है ना, अगर एम लाइन की डीआरएस वन 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 है तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एल वन एल के पैरेलल है और ओरिजिन से पास होती है, तो जो एल वन है वो एल के पैरेलल है ओरिजिन से पास होगी, ये वन 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 है तो किसके पैरेलल ना, तो क्वेश्चन क्या होगी एक्स अपॉन वन इक्वल टू, ये लो ये तो आपको एल वन की इक्वेशन मिल चुकी, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, लैम्डा प्लस म्यू सेवन होगा तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग होगा आपका, इक्वेशन ऑफ दी प्लेन और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है एरिया ऑफ दी डेल्टा बी सी, तो क्या दिक्कत है जब आपको थ्री डी की तीन पॉइंट पता है तो ट्राइंगल के एरिया के लिए काम करो ना, एक बार तो निकालो ए बी वैक्टर, एक बार निकालो ए सी वैक्टर, और अगर दो वैक्टर गिवेन है तो डेल्टा क्या होगा हाफ ए बी क्रॉस ए सी, फिनिश कर दो सोल्व से आगे डेल्टा, तो एरिया आने के बाद थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है इक्वेशन ऑफ दी प्लेन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन पी एंड कंटेनिंग दी लाइन एल, देखो इसमें क्या करना है एक प्लेन की इक्वेशन बतानी है आपको जो क्या करती है जिसमें एल वन लाइन तो कंटेन करती है, तो ये एल वन लाइन अगर कंटेन करती है इस लाइन कौन है वन 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 और ये लाइन कहाँ से पास होती है जीरो जीरो से, इसका मीनिंग ये प्लेन भी आपका जीरो जीरो से पास होगा, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड जीरो, इस प्लेन के नॉर्मल के डी आर एस और इस लाइन के नॉर्मल के डी आर एस आपके परपेंडिकुलर, तो देन ए प्लस बी प्लस सी आपका जीरो आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, और वंस अगेन बोला गया कि ये लाइन आपकी सॉरी ये प्लेन आपका गिविन प्लेन पी के परपेंडिकुलर है, और इसमें करना क्या है जो प्लेन पी है
उस प्लेन पी में ये तीनों पॉइंट लाई करते हैं कि ये थोड़ा सा लेंथी मामला है, क्या दिक्कत है? तो वेट ऑप्शन तो यही है कि इसको भी आप एबीसी से कर देते हैं कि लेट इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, तो आप इक्वेशन लिखो इस प्लेन पी की, क्या होगी? ए ऑफ एक्स माइनस टू प्लस बी ऑफ, दूसरा भी मेथड करने का तो वैसे, बी ऑफ वाई माइनस थ्री प्लस सी ऑफ, तो एबीसी में रिलेशन चाहिए दो, उस एबीसी के रिलेशन से आप इस प्लेन के एबीसी करोगे फाइंड आउट, और इस प्लेन के एबीसी और इस प्लेन के एबीसी क्या होंगे? परपेंडिकुलर, तो ए ए वन प्लस बी बी वन, इसके तो एबीसी एबीसी है, इसके एबीसी आप करोगे इससे कैलकुलेट। तो काम करो, ये प्लेन आपका बी पॉइंट से पास करा दो, तो माइनस के थ्री ए प्लस जीरो आ गया, सी आ गया माइनस के थ्री सी इक्वल टू जीरो, तो लो मजा आ गया, ए इक्वल टू आ गया माइनस के सी, गुणा भाग सिंपल। और वंस अगेन जब सी पॉइंट से पास करोगे तो क्या आएगा? फाइव ए प्लस टू बी प्लस फाइव सी इक्वल टू जीरो, ए और सी इक्वल है तो कट गया ना, तो सीधा बी जीरो आ गया। लो तो देन क्या करना है? ए ए वन, इस प्लेन के डी आर एस तो पता है मेरे को, तो ये आ गया ए माइनस सी इक्वल टू जीरो, सही है ना? ए ए वन, तो ए ए की वैल्यू के मान लो, उसको दिक्कत क्या है यार, के मान लो क्या है, तो ए के आ गया तो सी माइनस के आ गया, बी मेरा जीरो है, तो क्या लिखोगे? इसके नॉर्मल के डी आर एस ए बी सी है, इसके कितने? के जीरो माइनस के, तो के ए माइनस के सी जीरो, तो इससे आ गया ए इक्वल टू सी, ये लो ए सी आ गया, तो उसके रेशियो में आपको भी पता चल जाएगा, और ये आ गया तो क्या करें फटाफट ए बी सी की वैल्यू पता पुट कर देना, आंसर जाएगा और क्या, ठीक है ना? चलो ठीक है, ए इक्वल टू सी लोगे तो बी की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला गया आपसे अल्फा दिस पार्ट, बीटा दिस पार्ट एंड गामा दिस पार्ट, तो बताओ अल्फा बीटा गामा कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं? तो देखो बेटा, इस अल्फा को ओपन करो क्या आएगा, सिग्मा को ओपन करने पे आएगा 33C0 प्लस 33C1 प्लस डॉट 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 30C33, फिर सिंपल हो गया ना, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस CN की वैल्यू क्या होती है? 2 की पावर n, ठीक, तो आगे 2 की पावर 33। सिमिलरली बीटा का मीनिंग क्या, देखो सिग्मा ओपन करो तो 66C0 66C2 66C4 डॉट 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 66C66, तो ये आपको पता होगा शायद, C0, C1, C2, CN की वैल्यू होती है 2 की पावर n, और इवन का सम और ऑड का सम होगा 2 की पावर n माइनस 1, C0 प्लस C2 प्लस C4 डॉट 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 की वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर n माइनस 1, तो क्या है 0, 2, 4, 6 है ना, तो बीटा क्या जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, तो बीटा आ गया 2 की पावर 65, तो ये तो सीधे याद रखें। गामा क्या है देखते हैं, गामा में 3 के मल्टीपल हैं तो ये लिखना पड़ेगा मेरे को, गामा का मीनिंग है C0 प्लस C3, 99 तो याद रखना, C0 प्लस C3 प्लस C6 प्लस C9 अप टू सो ऑन। इसकी वैल्यू के लिए देखो क्या करना है, इधर आओ ब्लैक बोर्ड पे सभी, इसके लिए अपन यूज करते हैं वाइनोमियल एक्सपेंशन लेट 1 प्लस एक्स की पावर n का, n की जगह 99 है बाद में रख देना, तो क्या जाएगा ये C0 C1x C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस C4x4 अप टू सो ऑन। देखो आपको C0 C3 C6 की वैल्यू लानी थी, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक बार तो पुट करो आप x को 1, तो x को 1 लेने पे जाएगा 2 की पावर n इक्वल टू C0 C1 C, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करना अपन को। अब एक बार पुट करो x को ओमेगा, इसमें ओमेगा का रोल है, x को ओमेगा लोगे तो क्या जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर n इक्वल टू C0 ओमेगा, इधर ओमेगा स्क्वायर आ गया, और अगले में दोबारा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी, फिर दोबारा ये C4 ओमेगा ऐसे चलती रहेगी, बस समझ जाओगे इससे, और एक बार पुट कर दो x को ओमेगा स्क्वायर, तो x को जब आप ओमेगा स्क्वायर पुट करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n इक्वल टू C0, ये आ गया C1 ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया C2 ओमेगा, और ओमेगा की पावर 6 वंस अगेन 1, ये आ गया C4 ओमेगा। अब आप क्या करो, इन तीनों इक्वेशन को कॉरस्पॉन्डिंग ऐड कर दो, तो देखो लेफ्ट साइड में ऐड करने पे क्या गया 2 की पावर n प्लस, आप 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हो माइनस ओमेगा की पावर n, तो ये जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, और ये जाएगा
माइनस ओमेगा की पावर एन इक्वल टू, देखो जब इधर ऐड करोगे सी जीरो सी जीरो सी जीरो थ्री सी जीरो सी थ्री सी थ्री सी थ्री थ्री सी थ्री, तो ये तो आगे मेरा क्वेश्चन, बाकी का देखते हैं क्या विचार है। तीन के मल्टीपल तरह से जाएंगे, बाकी में देखो क्या हुआ, जब इन तीनों को ऐड करो तो सी वन कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ गया वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो, ऐसे ही सी टू कॉमन लोगे तो वन सगेन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका जीरो, सारे जीरो में चले जाएंगे। और देखो ब्लैक बोर्ड पे एन आपका 99 है तो 99 आपका 3 का मल्टीपल है, पहली बार तो 99 तो माइनस बाहर आ गया और ये 99 है, लिख देते हैं एन आपका ओड है अभी क्वेश्चन में, केवल 99 की बात करनी है, तो इसमें भी आपका माइनस बाहर आ गया तो आगे 2 की पावर एन माइनस, और सुनो एन को 99 लोगे तो ओमेगा की पावर 198 आपका 1 होगा और ये भी आपका 1, तो कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना, लिख लेते हैं कुछ गड़बड़ी होगी इसमें, तो क्या आ गया ओमेगा की पावर 99 है तो 99 आ गया, हाँ सही है ना, 1 होगा तो माइनस 2 आ गया और क्या क्या होगा बोलो माइनस 2, और अपॉन में क्या कर दो उसको 3, तो दिस इज गामा, ठीक है, और एन की जगह क्या था 99, तो गामा आ गया 2 की पावर 99 माइनस 2 अपॉन, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें इसका यूज करना है, बोलो आया ना, बस अल्फा बीटा गामा आ गया, ऑप्शन से देख लेना कौन कौन से ऑप्शन को वेरीफाई करता है, ठीक है चले। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया, अल्फा बीटा आर रियल रूट्स, रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस पार्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लॉग ऑफ दिस पार्ट की वैल्यू बताओ, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन मैच करना है, दोनों में से ही करेक्ट होगा, अगले थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर की जो नंबर ऑफ डिवाइजर है वो 6 होंगे, अगले में बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर के डिवाइजर भी 6 होंगे, मतलब आपको अल्फा बीटा को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो देखो क्या करना है, ये गिवन है p की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन, अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो एक काम करो p की पावर 1/3 को आप t लेट करो तो t में क्वाड्रेटिक बनेगी, t में क्वाड्रेटिक बनने के बाद उससे p की पावर 1/3 की वैल्यू मिलेगी, मेरे को p की पावर 1/3 इसके रूट अल्फा बीटा है, इसका मतलब p इसमें अल्फा है तो आपको p की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो इसको p में क्वाड्रेटिक बनाना है बेसिकली, क्या करना है p में क्वाड्रेटिक, तो एक काम करें इसका सीधा दोनों तरफ कर दो क्यूब, तो दोनों तरफ जब क्यूब करोगे तो देखो क्या होगा, चलो अगली स्टेप में करो नहीं तो गड़बड़ जाएगा मामला, हाँ ए क्यूब का मतलब पी माइनस बी क्यूब का मतलब माइनस पी माइनस 3 ए इंटू बी, तो दिस इंटू दिस तो वन आ गया ना हटाओ, और इंटू आ गया दिस माइनस दिस, और बेटा दिस माइनस दिस की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, रूट टू लिख सकता हूँ सीधी, और इक्वल टू आ गया टू रूट टू, रूट टू का क्यों हो गया सिंपल, तो क्या रहेगा p माइनस 1 अपॉन p माइनस 3 रूट टू, और इधर आके आ गया माइनस के 5 रूट टू, देखो ऐसे करना है सिंपल, तो क्या बन जाएगा p स्क्वायर माइनस 5 रूट टू p माइनस 1 इक्वल टू 0, अब अगर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को करना है तो सिंपल सी बात ये, इसके रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा तो आ गया 5 रूट टू और अल्फा बीटा आ गया माइनस 1, तो क्या बोला गया अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताओ, तो इसको कर ले गुणा भाग, अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करो अल्फा बीटा माइनस के अल्फा बीटा माइनस के बीटा अल्फा और प्लस आ गया 1 अपॉन अल्फा बीटा, तो देखो अल्फा बीटा कितना है माइनस 1, ये भी माइनस 1 तो आ गया माइनस 2, माइनस कॉमन लोग तो आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा मेरा माइनस 1 है तो इसको प्लस कर देगा हटाओ, तो क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस की 2, और बेटा इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस
अल्फा बीटा माइनस सुन लोगे तो प्लस टू से माइनस टू चला गया, तो देन ही आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5√2 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन ने पूछा गया लॉग 5√2 इंटू दिस पार्ट की वैल्यू, तो 2 आ गया आके इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना, तो देन इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एक तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आपको अल्फा स्क्वायर प्लस 1/α² की वैल्यू को फाइंड आउट ही करना पड़ेगा। तो एक काम करें, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बताओ अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी। x मान लेते हैं, इसको p मान लो, p इक्वल टू आ गया 5√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 25 दूना 50, 4 54/2। 54 का मतलब क्या होता बताना, कुछ नहीं होता 54 का मतलब, यही रखना पड़ेगा। 4 कॉमन आ सकता है क्या? नो। चलो ये p आ गया, तो अपन इसमें एक काम करते हैं, अल्फा की बात करते हैं प्लस के लिए, बीटा भी सिमेट्री से सेम आएगा वो देखना बाद में। तो अल्फा को अगर आपने प्लस वाला लेट किया, 5√2 + √54/2, तो इसकी अल्फा स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1/4, तो 12 आ गया। ए स्क्वायर करने पे आ गया 50, 54 + 2ab, तो 10√ab, तो आ गया 108। हाँ है ना, तो देन सोल्व करने पे क्या जाएगा, देखो 104 + 10√108 को लिख सकते हैं कितना, 4 कॉमन 4 2 8 7 28, सही है ना। ठीक है, और क्या है, अपॉन में 4 आ गया। तो देखो ढंग से, 4 कॉमन लोगे तो 2 आ गया बाहर, तो आ गया 404 + 20√27/4, और शायद ये लग रहा है 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ हो गया ना, 4 2 8 24 52 26 से चला गया, और ये आ गया 5√7 है मामला। ये आ गया मेरा अल्फा, देखो कितना मस्त आ रहा है। बीटा स्क्वायर में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और क्या है, बीटा स्क्वायर में क्या होगा, माइनस होगा, कंजुगेट होगा ना। अब अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखोगे, 26 + 5√27, और एक बार लिख दो इसको डिवाइड में। अब कुछ नहीं है, मुद्दे की बात सुन लो, जब आप इसका करोगे रेशनलाइजेशन तो इधर आएगा माइनस वाला पार्ट, इधर भी माइनस वाला पार्ट, तो ये सोल्व होके बेटा बना जाएगा 26 का स्क्वायर - 25 × 27 सोल्व करने पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और ये 1 आ गया, तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 52। जब आप माइनस लोगे ना, फिर भी बीटा स्क्वायर 1/β² की वैल्यू क्या होगी, 52। तो आपको इसी नंबर एन की डिवाइजर चाहिए, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 13 26 2 52, 2^2 × 3^13 तो डिवाइजर्स क्या होते हैं, 2α + 1 2β + 1 α + 1 β + 1, तो क्या जाएगा 2+1 × 1+1, तो कहेंगे इस 52 के जो डिवाइजर्स हैं वो टोटल 6 होंगे, मतलब 6 नंबर से डिवाइजर होगा, और सीधा काउंट भी कर सकते हो, 1 2 4 13 26 52 खत्म। ठीक है, तो इसके फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या बोला गया, इफ दी वर्ड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग ऑल दी लेटर्स ऑफ दी वर्ड बिलिंग, देन फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में बोला गया द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में बोला गया नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। करो, करते हैं। लेटर क्या है, BILLING बिलिंग। स्टार्टिंग में तो बोला गया कि अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, मतलब जैसे दो आई एस में, तो दोनों आई एक साथ रहनी चाहिए, तो उसको एक मान लें, दोनों एल भी आपके एक साथ हैं, एक उनको भी एक लेट कर दो, बचा कौन, बी एन और जी, 1 2 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या होगा, इसको एक लेटर लेट किया, इसको भी 1 लेटर लेट किया, और 3 और 4 5, सॉरी 3 और 2 5, तो क्या आंसर जाएगा, फैक्टोरियल
फाइव, क्योंकि इनको एक एक लेट किया है, तो ये तो आ गया इसका ए और बी पार्ट, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फैक्टर फाइव बी पार्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन। सी ओ डी में क्या चेक करना अपन को? नोट टू अलाइक लेटर्स आर टूगेदर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो देखो उसमें क्या करना है, मतलब दोनों आई भी डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब दोनों आई के बिटवीन एक लेटर आना चाहिए और बोथ एल के बिटवीन भी एक लेटर आना चाहिए। तो ये हो सकता है कि एल और दोनों एल के बिटवीन आई आ सकता है, ऐसा नहीं कि दोनों आई भी दूर दूर और दोनों एल भी दूर दूर, इनका मीनिंग है कि दोनों आई एक साथ ना हो, दोनों एल एक साथ ना हो, बोलो आया ना। तो देखो इसको करने का बेटर ऑप्शन क्या है, आप इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरी से भी कर सकते हो और नॉर्मल वे में भी कर सकते हैं। अपन क्या करते हैं, थोड़ा केयरफुली देखना, मैंने बोला कि दोनों एल को सेपरेट करो, पहले आप दोनों एल को सेपरेट करना है तो एक काम करो, दोनों एल को हटाओ, बी एन जी आई आई कोई सा भी ले लो, दोनों सांस सेम आएगा। जब आप इन लेटर्स को अरेंज करोगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल फाइव अपॉन फैक्टोरियल टू। इस फैक्टोरियल फाइव अपॉन फैक्टोरियल टू का मीनिंग क्या है, बी एन जी और डबल आई को अरेंज करने के मेथड। तो इस पार्ट के अंदर क्या होगा, ये दोनों आई एक साथ भी आ सकते हैं, चलो उसको थोड़ा बाद में देखना। मैंने इन फाइव लेटर को अरेंज किया, इन फाइव लेटर के बिटवीन टोटल सिक्स गैप होंगे, इन सिक्स गैप में से कोई भी दो गैप आप सिलेक्ट करो और सिलेक्टेड गैप पे दोनों एल को अरेंज करने का मेथड एक होगा, हाँ या ना। तो इसमें गड़बड़ी क्या है कि दोनों एल तो आपके सेपरेटेड है, दोनों एल तो क्या सेपरेटेड, बट बोथ आई आर टुगेदर, बोथ आई टुगेदर हो भी सकते हो नहीं भी, क्यों? देखो ना आप, जब आप सिक्स में से टू गैप का सिलेक्शन करोगे और माना गलती से दो गैप कौन से जाए बताओ, इसको हटा देते समझाने के लिए, ये छह गैप है, इन सिक्स गैप में से आपको टू गैप सेलेक्ट करने, अगर दो गैप ये आ गए फिर तो मजा आ गया, बट अगर दो गैप ये आ जाते हैं तो फिर तो दोनों आई एक साथ आ सकते हैं ना। मतलब इस आंसर में दो टाइप के आंसर हैं, बोथ आई आर टूगेदर और बोथ आई आर नॉट टूगेदर, दोनों एल तो ऑलवेज सेपरेटेड है बट दो आई एक साथ हो सकते हैं। तो क्या करोगे, अपन अगला केस लिखते हैं कि दोनों आई तो एक साथ रहें और दोनों एल दूर रहें, तो उसमें क्या होगा कि उस केस में बोथ आई आर टूगेदर बट बोथ एल आर नॉट टूगेदर, तो उन केसेज को माइनस करोगे तो आपके कौन से पार्ट बचेंगे जिसमें बोथ आई एंड बोथ एल आर नॉट कम टूगेदर। तो क्या करना है, बी एन जी को अलग रखो और दोनों आई को मान लेते हैं, क्योंकि दोनों आई को एक मानोगे तो इनके बिटवीन जो गैप्स हैं वो कितने गैप होंगे, पांच, क्योंकि चार लेटर है ना, एक दो तीन चार, तो इन फोर लेटर को अरेंज करने का मेथड फैक्टोरियल फोर होगा, बी एन जी और डबल आई को एक मान लिया, इन फोर लेटर के बिटवीन फाइव गैप्स हैं, इनमें से एक गैप सेलेक्ट करो, सेलेक्टेड सॉरी इनमें से दो गैप सेलेक्ट करो, सेलेक्टेड टू गैप्स पे दोनों एल को फिल करने का मेथड एक होगा। तो इस आंसर का मीनिंग क्या है, इसमें दोनों आई तो टूगेदर होंगे बट दोनों एल आपके सेपरेटेड होंगे, इसमें दोनों एल तो आपके सेपरेटेड है बट बोथ आई आर टूगेदर और नॉट टूगेदर, तो हमको तो चारों को दूर रखना है, इसका मतलब इसमें से जब ये वाला पार्ट सबट्रैक्ट करोगे तो कौन से पार्ट बचेंगे जिसमें बोथ एल एंड बोथ आई आर कम टूगेदर, नॉट कम टूगेदर, ठीक है। तो क्या होगा, कर दो उसके सॉल्व, 5 120 बटे 2 60 आ गया, 6 C2 की वैल्यू होती है 15 शायद, तो 15 ची की 90 900 आ गए, तो माइनस ये आ गया 24 इंटू 5 C2 10 तो माइनस 240, तो कितना बचेगा 660 आ जाएगा शायद, ठीक है 660 आंसर होगा, यस सर। तो देन इसका सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, तो शायद मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा सबको। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना अपन को, लेट ऑल दी लेटर्स ऑफ दी वर्ड मैथमेटिक्स आर अरेंज इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर, थ्री इवेंट्स ए बी सी इज, इवेंट ए क्या है, बोथ एम आर टुगेदर, इवेंट बी है बोथ टी आर टुगेदर और इवेंट सी है बोथ ए आर टुगेदर, तो व्हेन व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज होल्ड गुड,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/11, ए इंटरसेक्शन बी, बी, हाँ इसका मीनिंग सुनो, पी ऑफ ए का मीनिंग क्या होगा कि बोथ एम अगर एक साथ हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, बोथ बी तो देखो आपको सोचो, दोनों एम दोनों ए दोनों में से कोई भी मानो उनकी प्रोबेबिलिटी 100% सेम होगी, ठीक है ना, क्योंकि फेवरेबल केस दोनों में दो 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 ही एम है, दो ही टी है, दो और ए, तो पहले में पी ए पी भी दोनों सेम ही आएगा, फिक्स है, पी सी भी लिखोगे तो भी सेम होगा 100%। सेकेंड ऑप्शन का मीनिंग क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब बोथ एम आर टूगेदर एंड बोथ ए आर टूगेदर, एम और टी दोनों एक साथ रहें, अगले में टी और ए दोनों एक साथ रहें, मतलब दोनों एम एक साथ और दोनों टी एक साथ, तो ये केस होंगे, तो इसमें भी तीनों के आंसर सेम होंगे, तो इसलिए सेम लिखा है, क्योंकि सबका फेवरेबल केस और सैंपल स्पेस सेम ही होगा। सी पार्ट में क्या बोला गया, दोनों एम दोनों ए और दोनों टी भी एक साथ रहें, तो ये तीनों पार्ट तो मेरे अकॉर्डिंग सिंपल है, तो देखो क्या करना है, लिख लेते हैं, दो एम है इसमें, दो टी हैं और दो आपके एम, बचे कितने लेटर, और दो चार छः ग्यारह है ना, तो कौन आ गया, एम ए टी एच आ गया, एक ई आ गया, आई सी एस, ये टोटल 11 लेटर है, तो दोनों ए, सुनो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, कुल अरेंजमेंट टोटल अरेंजमेंट क्या होंगे, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये तो आप सभी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि बोथ एम आर टूगेदर, तो दोनों एम को एक मान लो, बाकी नौ लेटर को फ्री छोड़ दो, नौ और एक दस, बट इसके अंदर दो ए और दो टी है, तो बाई फैक्टर टू बाई फैक्टर टू, ये आ गया बोथ एम आर टूगेदर, तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए, पी ऑफ ए का मीनिंग बोथ एम आर टूगेदर, तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस, तो सोल्व कर देना इसको गुणा भाग, तो क्या जाएगा, 2 फैक्टोरियल 10 अपॉन 11 इंटू फैक्टोरियल 10, तो देन ये आ गया 2/11, तो इसका देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। सेकेंड में एक एक तो कर ही लेते, क्या दिक्कत है, अगले में बोला गया कि ए और बी दोनों एक साथ रहे, बोथ एम को एक मान लो और बोथ टी को एक मान लो, बच्चे कितने, छः, सात और चार ग्यारह, सात, तो सात और चार ग्यारह, तो सात ये और दो ये, अरे सही है ना, लिख देते डबल ए एच ई आई सी एस, तो 5, 6, 7, 8, 9, तो लाइन लेटर से टोटल कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसका मीनिंग है कि बोथ एम एंड बोथ टी आर टूगेदर, तो इस केस में लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2, दिस इज फैक्टोरियल 11 अपॉन, ये से चला गया तो फैक्टोरियल 9, 2 इंटू 2 4 आ गया, इसको 11 10 फैक्टोरियल 9 लिखोगे तो ये चला गया प्रोग्राम से, ये 2 से कैंसिल किया तो क्या गया 2/50, ये लो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट आ गया, सिंपल है ना। और इसका सी पार्ट भी बहुत सिंपल है, सी पार्ट भी क्या करना है, दोनों एम को एक मान लो, दोनों ए को ए लेट करो और दोनों टी को भी आप वन लेटर लेट करें, और बचे कितने, 5, 5 और 3 8, फैक्टोरियल 8 आ जाएगा, तो वंस अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या होगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन, और ऊपर तीनों को भेज दो तो 8 आ गया ना, तो क्या आ गया 8 इंटू, इसको क्या लिखो 11 10 9 फैक्टोरियल 8, ये कैंसिल आउट, तो क्या होगा, देखो कुछ नहीं, दो बार कैंसिल हो गया इससे 5 और 2, तो ये तो आ गया 2, 45 को 11 से गुणा करो कितना जाएगा, 45 × 11 55, 5 सही है लो, 2 कैंसिल किया तो 4 बार आ गया, क्या आ गया 4/495, तो इसका थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। अब असली लड़ाई फोर्थ ऑप्शन में, ये अच्छा ऑप्शन है इसका, देखो फोर्थ ऑप्शन का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार अपॉन सी बार, ये है ना, तो चलो इसमें लगाओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, तो क्या लिखोगे, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन पी सी बार, यही होगा ना, तो पी सी बार का मीनिंग तो क्या होगा, दोनों ए एक साथ ना हो, तो इसको तो सीधा क्या लिखेंगे, पी सी बार इक्वल टू तो जाएगा 1 - PC, जब दोनों ए एक साथ रहें, दोनों ए एक साथ रहें की प्रॉपर्टी क्या थी, रहे कहाँ चला गया वो 2/11, तो ये तो आ गया 11 9/11, हाँ है ना, चलो डिनोमीटर की वैल्यू आ चुकी है, न्यूमीटर को थोड़ा आप स्टेटमेंट में पढ़ो, इसका मीनिंग क्या है,
इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। तो ये क्वेश्चन अभी जो बिलिंग वाला किया था ना उसी का भाई हो गया एक तरीके से। इसका मीनिंग है दोनों एम तो एक साथ रहे, इसको कुछ भी मान लो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। इसको ए नेम दिया गया, इसको बी नेम दिया गया, इसको सी नेम। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ एम आर टूगेदर बट बोथ टी एंड बोथ ए आर नॉट टूगेदर। दोनों ए एक साथ रहे, दोनों टी और दोनों ए, दोनों एम एक साथ रहे बट बोथ ए एंड बोथ टी आर नॉट कम टूगेदर। तो वही इसमें दो केस बना के करना पड़ेगा अपन को। तो चलो उसको करते हैं, इधर से ये केस हटा देते हैं अपन, ठीक है? कर सकते हो वैसे, टफ नहीं है, कुछ नहीं, बिलिंग की तरह करना अपन को। तो देखो अपन को बोथ एम को तो रखना है टूगेदर, ये लो बोथ एम को तो मैंने एक मान लिया। फिर अपन को डबल टी और डबल ए को करना है सेपरेटेड। तो एक काम करें, बोथ एम को एक मानना है, लिख दो एच ई आई सी एस, ये लिख दो। अब एक काम करें, सबसे पहले ये बोल देते हैं मैं दोनों टी को करता हूं सेपरेटेड, तो दोनों ए को इधर मान लो एक बार। आप सुनना केयरफुली, दोनों ए को दूर दूर रखना है तो क्या होगा, देखो 2 और 5, 7 और 1, 8, ये आ गया फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसका मीनिंग क्या है, इसमें दोनों एम तो हमेशा एक साथ हैं बट बोथ ए आर कम टूगेदर और नॉट कम टूगेदर, दोनों ए एक साथ हो भी सकते हैं और नहीं भी, कोई बात नहीं। इसके बिटवीन टोटल होंगे कितने गैप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 में से दो गैप सेलेक्ट करो और दोनों टी को फिल करने का एक ऑप्शन। इस आंसर का मीनिंग क्या है, बोथ एम आर टूगेदर, बोथ टी आर नॉट कम टूगेदर और बोथ ए एक साथ हो भी सकते नहीं भी। हमको दोनों टी और दोनों ए को दूर दूर करना है तो क्या करो, माइनस, जब दोनों एम एक साथ रहें, दोनों ए एक साथ रहें और दोनों टी दूर दूर रहें, उन केसेज को माइनस करोगे तो अपना काम हो गया ना। तो क्या करें बोलो, अगले केस में जब दोनों ए को मैंने एक मान लिया तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 2 और 5, 7, factorial 7, क्योंकि बाई टू तो करना नहीं है। इस फैक्टोरियल 7 का मीनिंग क्या, दोनों एम एक साथ रखने है, कोई बात नहीं, इसमें दोनों ए भी एक साथ हैं, ये आ गया, और इनके बिटवीन टोटल 8 गैप्स हैं, उन 8 में से कोई भी दो गैप सेलेक्ट करो और डबल एम डबल टी को भरने का एक तरीका। तो इस आंसर का मीनिंग क्या सुनो, इसमें दोनों एम एक साथ हैं, दोनों ए एक साथ हैं और दोनों टी मेरे दूर दूर हैं। इसमें क्या है सुनो, इसमें दोनों एम एक साथ हैं, चलेगा ये लेना है मेरे को, ये नहीं लेना है, इसको हटाना बाद में। इसमें दोनों ए एक साथ हो सकते हैं, दोनों ए दूर दूर हो सकते हैं, सही है ना, और दोनों टी तो आपके ऑलरेडी दूर दूर हैं, हाँ है ना। ये लेना है, ये लेना है, इसमें ये लेना है, इसमें ये लेना है, इसमें से कौन सा केस हटाना है, ये वाला केस। तो ये तो हट गया ना, डबल एम डबल ए, दोनों एम दोनों ए एक साथ रहे, दोनों टी एक साथ ना रहे, दोनों एम दोनों ए एक साथ रहे, दोनों टी दूर दूर रहे, ये केस हटाओगे तो कौन से बचेंगे, डबल एम एक साथ रहे बाकी सारे दूर दूर रहे, हाँ है ना। इसको सोल्व कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ गया इसका फेवरल केस है। और अपॉन में वो लिखना है फैक्टोरियल ए में अपॉन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू, तो ये आपके न्यूमेरेटर की प्रोबेबिलिटी बताएगा, उसको सेपरेट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो एक ठीक क्वेश्चन था ये, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन 10 में क्या बोला गया है कि आपने ट्वेन कॉइन को टॉस किया तो एन टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। देखो क्या करना है इसमें, सैंपल स्पेस का मीनिंग तो क्या होगा, सैंपल स्पेस का मीनिंग है ट्वेन कॉइन को टॉस करना है तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फर्स्ट कॉइन को टॉस करने पे 2 पॉसिबिलिटी, अगले पे भी 2, तो 2 आपका कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 2n टाइम्स, क्योंकि 2n कॉइन को आपने टॉस किया है तो फर्स्ट कॉइन पे भी पॉसिबिलिटी 2 होंगी, हेड टेल अप टू हेड टेल अप टू हेड टेल, तो क्या गया 2 की पावर 2n। और फेवरेबल केस का मीनिंग क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि एग्जैक्टली n कॉइन पे हेड आना चाहिए, n कॉइन पे हेड आना चाहिए, तो 2n में से आप कोई भी n कॉइन सेलेक्ट करो, 2n में से कोई भी n कॉइन सेलेक्ट करोगे तो उस पर क्या आना चाहिए, हेड आना जाना चाहिए। तो हेड आने का एक ही तरीका है कि इस पर हेड आना चाहिए और क्या, ठीक है ना। देन इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
फेवरेबल केस अपॉन सैंपल स्पेस, या फिर सीधा लिख सकते हो आप प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, क्या करो आपको एन पॉइंट पे हेड लाना है, कौन से एन, तो टू एन में से पहले आप एन कौन सिलेक्ट करो, सिलेक्टेड एन पॉइंट्स पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी सब पे क्या होगा, 1/2, 1/2 कितनी बार, एन बार, तो क्या जाएगा 1/2 की पावर है, और रिमेनिंग एन पॉइंट पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी फिर, तो ये भी क्या 1/2 की पावर है, तो सेम ही बात है, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं करना अपन को, इन ऑप्शंस को वेरीफाई करना है, तो चलो एक सुनो, जैसे फोर्थ ऑप्शन है ना, इसमें आपको पता होगा ऊपर सिग्मा डाउट क्या बनेगा, C0² + C1² + CN², ये वैल्यू आप याद रखें, स्क्वायर की सम की वैल्यू हमेशा क्या होती है 2NCN, याद है। चलो उसके बाद अपॉन में तो क्या है C0, C1, C2, CN, इसकी वैल्यू क्या होगी C0 + C1 + इसकी वैल्यू 2 की पावर n, और स्क्वायर करने पे क्या आ गया 2 की पावर 2, तो देखो फोर्थ ऑप्शन आ गया। ऐसे ही आप सारे ऑप्शन को वेरीफाई करके देख लेना कौन कौन से ऑप्शन सही, आपको पता चल जाएगा। चलो एक और ऑप्शन वेरीफाई कर देता हूँ मैं आपको, फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट में थोड़ा टेक्निकल है, जब आप पाई को हटाओगे तो क्या आएगा, आर को वन लो, 1/2, अगले में आएगा 3/4, अगले में क्या होगा 5/6, अगले में क्या होगा 7/8, और अपॉन में लास्ट आ जाएगा 2n - 1/2n, हाँ या ना। अब इसको इस फॉर्मेट में लाना आंसर को, तो देखो क्या करें, सुनो न्यूमेटर में 1, 3, 5, 7 है ना, तो इसमें इवन नंबर ऐड कर दो सब में, ये 2, 4, 6, 6 up to इधर 2n - 2 अपॉन में 2n - 2, और इधर भी एक काम करो 2n से मल्टीप्लाई 2n से डिवाइड, तो न्यूमेटर में तो क्या वो कंप्लीट आ गया ना 1, 2, 3, 2n, तो 1 से लेके 2n का मल्टीप्लाई आ गया फैक्टोरियल 2n, अपॉन में देखो 2 × 4 × 6 × 2 की पावर n का होल स्क्वायर, अरे यार ये भी दो बार है, ये भी दो बार, स्क्वायर एक साथ लगा दिया, तो देखो क्या होगा, ये कितनी टर्म है, n टर्म्स हैं, तो आप 2 कॉमन लोगे तो कितनी बार कॉमन आएगा, n बार, 2 की पावर n, और 2 की पावर n को बाहर लोगे तो क्या आ गया 2 की पावर 2n, और ये क्या आ गया 1, 2, 3 … n का होल स्क्वायर, दिस इज फैक्टोरियल n का स्क्वायर, तो क्या आ गया फैक्टोरियल 2n अपॉन 2 की पावर 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और दिस इज 2NCN, इसको ओपन करो यही आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ऑप्शन वेरीफाई करना है, आप ऐसी सेकंड और थर्ड को खुद देखना करके आंसर जाएगा और क्या, ठीक है, देख लेना जो भी आंसर है। चलो अब अपन बात करते हैं सेक्शन डी की, देखो सेक्शन डी में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो एक सेट गिवन है कैपिटल एक्स, इसमें 1 से लेके 10 एलिमेंट है, सेट बी में आपके 4 एलिमेंट्स, ठीक है, देखो ये टोटल 10 एलिमेंट है, और सेट ए में गिवन है 4 एलिमेंट 1, 2, 3, 4, कैपिटल एन का मीनिंग क्या है, वी द नंबर ऑफ 4 एलिमेंट सबसेट ऑफ वाई 2x, मतलब आपको एक्स में से 4 एलिमेंट को सेलेक्ट करना, उसको बोला गया सबसेट वाई, मतलब वाई का मीनिंग क्या है, सिलेक्शन ऑफ 4 एलिमेंट आउट ऑफ 10 एलिमेंट इन एक्स, वाई में टोटल 4 एलिमेंट से जिनको किस लेना है कैपिटल एक्स से आपको सेलेक्ट करना है, इसका यूज है इसमें, सच दैट 10 बिलोंग्स टू y, मतलब y में 10 तो आना ही चाहिए, जो 4 एलिमेंट लोगे उसमें 10 तो 100% प्रेजेंट होना चाहिए, ध्यान रखना। चलो एंड द इंटरसेक्शन ऑफ y एंड a इज नॉन एम्प्टी, मतलब y और a का जब इंटरसेक्शन लोगे तो नॉन एम्प्टी का मतलब वो फाई नहीं आना चाहिए, इसका मीनिंग जो y में 4 एलिमेंट होंगे उनमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट आपका 1, 2, 3, 4 होना मस्ट है, कम से कम एक एलिमेंट आना चाहिए, उस केस में इंटरसेक्शन क्या होगा नॉट बिलोंग्स टू फाई, हाँ या ना, तो क्या करें देखो कर देते हैं और क्या है? तो ये एन बोला गया और बाद में एन माइनस 4/10 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो देखो बेटा क्या करें, कुछ नहीं सिंपल हो जाएगा, वैसे तो सीधा अपन को 4 एलिमेंट का सिलेक्शन करना है, तो देखो 4 एलिमेंट लेने वाई में, तो दो बातों का ध्यान रखना है,
तो वाई में फोर एलिमेंट लोगे आप, वन टू थ्री एंड फोर, तो एक तो टेन लेने लेना है, तो टेन को लेके पटक दो आप, हटाओ बाकी, टेन को हटा दो, टेन ले लिया मैंने एक बार। टेन आने के बाद बाकी क्या करना है आपको, इनमें से एलिमेंट को लेना है, क्योंकि जब भी किसी सेट के अंदर एलिमेंट लेते हैं तो एक एलिमेंट आपका एक ही बार आएगा, वो रिपीट नहीं होता कभी, ठीक है चलो, और डिस्टिंक्ट ही होंगे सारे एलिमेंट। अब ये करने के बाद अब आपको बाई में थ्री एलिमेंट और लेने हैं, बस ध्यान ये रखना है जब आप थ्री एलिमेंट सेलेक्ट करोगे तो एक एलिमेंट एक दो तीन चार में से तो आना ही चाहिए, हाँ या ना, एक दो तीन चार में से तो एक एलिमेंट आना मस्ट है, ये बात समझ में आएगी नहीं आई बताओ, बस ये जिसको समझ में आ गया वो क्वेश्चन इजीली कर सकता है। तो देखो क्या लिखना है इसमें, ए वाई इंटरसेप्शन ए नॉट बिलोंग्स टू फाइव, टेन आई गया, तीन एलिमेंट लेने हैं जिसमें एटलीस्ट आपको इनमें से एक एलिमेंट को लेने लेना है, समझे मेरी बात। तो एक काम करें इसको दो पार्टों में सबसेट कर देते हैं, वन टू थ्री फोर को तो कर दिया मैंने अलग, और फाइव सिक्स हो जाएगा वैसे, इसको कर दिया अलग, ये कितने एलिमेंट है फाइव, और ये कितने बोलो फोर। तो ऐसे करो मेरे को तीन एलिमेंट लेने, तो क्या होगा अगर इसमें से तीनों ले लिए, भाई एक तो टेन है, इसमें से थ्री एलिमेंट लोगे तो y और a का इंटरसेक्शन 5 आ गया, मजा नहीं आया, मतलब एक एलिमेंट इधर से लेना है। तो एक काम करो ऐसे लिखो, आप इन 5 में से दो लो दो एलिमेंट 5c2, इनमें से दो एलिमेंट लिए तो ऊपर के चार में से एक एलिमेंट लो, तो इसमें से 100% 1 2 3 4 में से एक आएगा ना, तो लिख दो 4c1, प्लस इन 5 में से कोई भी दो एलिमेंट लो तो उसमें से, सॉरी इसमें से अगर एक लिया तो उसमें से आप दो लोगे, और अगर मैंने तीनों के तीनों एलिमेंट अगर चार में से ले ली तो भी क्या दिक्कत है, कॉमन इंटरसेक्शन तो नॉट बिलोंग्स टू फाइव होगा ना, तो शायद मेरे अकॉर्डिंग यही आंसर जाना चाहिए इसका। देखते हैं, 5c2 की वैल्यू 10 × 4 = 40, प्लस 6 × 5 = 30, और 4c3 = 4, तो कितना आ गया 74 आ गया, ये आ गया कैपिटल एन। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एन माइनस 4/10, तो 74 70/7 आंसर जाएगा इसका, ठीक है ना। इस तरीके से करना क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा समझे, सिंपल क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। चलो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन रीड करें सभी, लेट कैपिटल एन बी द नंबर ऑफ थ्री डिजिट नेचुरल नंबर, एक थ्री डिजिट का नेचुरल नंबर अपन को फॉर्म करना है, इफ कैपिटल एन सॉरी हैविंग डिजिट इज नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो थ्री डिजिट का नंबर है आपका उसकी डिजिट क्या नॉन डिक्रीजिंग है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब जो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो उसकी डिजिट क्या होगी नॉन डिक्रीजिंग, का मीनिंग क्या होगा, या तो डिजिट की वैल्यू इंक्रीज करेगी या कॉन्स्टेंट रहेगी, हाँ या ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अपॉन 50 का स्टेप की वैल्यू चाहिए। देखो आपको एक थ्री डिजिट का नंबर बनाना है एबीसी, और ये कह रहा है कि लेफ्ट से राइट जब मूव करोगे तो डिजिट आर नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग का मीनिंग या तो डिजिट इंक्रीज करेगी या कांस्टेंट रहेगी, मतलब ऐसे वो समझ सकते हो सकता है तीनों वैल्यू डिफरेंट हो, तो ये छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। अब एक बात बताओ इसका मतलब ये होगा मेरे अकॉर्डिंग, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें तीन केस होंगे जो मेरे को लग रहा है, तीन या चार, या तो ये हो सकता है कि हमेशा इंक्रीज करें, या फिर ये हो सकता है कि ए और बी तो आपके इक्वल हों और सी बढ़ा जाए, ये भी सही है ना, तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, दो एक हो सकते हैं, मतलब सेम हो सकते हैं, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, फिर बाद में इंक्रीज करके, या फिर आप उल्टा ले सकते हो कि सर हम तो इसको इक्वल मानेंगे, आपको क्या दिक्कत है, ये लो तीनों डिफरेंट दो सेम, तो दो सेम में दो केस, और लास्ट क्या होगा तीनों के तीनों सेम हो सकते हैं, कांस्टेंट हो जाए सारी की सारी। अब आप ये बताओ अगर तीनों सेम है तो क्या एबीसी में से कोई जीरो हो सकता है, नो, अगर दो सेम एक डिफरेंट है, अरे सीधी सीधी बात है, जो छोटी लेस डिजिट है वो आपकी लास्ट प्लेस पे होगी, तो जीरो तो मैं कभी नहीं ले सकता इसमें, मतलब आपको केवल 1 से 9 में से डिजिट का सिलेक्शन करना है, ओनली 1 से 9 में से क्या करोगे डिजिट का सिलेक्शन, तो जब 1 से 9 में से डिजिट का सिलेक्शन करोगे तो सीधा आंसर है और क्या। तो देखो आंसर में क्या करना है, इधर आओ सभी, इसका मीनिंग क्या है, ऑल थ्री डिस्टिंक्ट आर सिलेक्ट, तो आप क्या करोगे 9 में से 3 डिजिट का क्या करोगे सिलेक्शन, तो क्या आ गया 9c3,
9 में से आपने 3 डिजिट का सिलेक्शन किया तो फिल करने का एक ही ऑप्शन है, लेस ग्रेटर ग्रेटर प्लस। आप केवल 9 में से 2 डिजिट सेलेक्ट करो, अब 2 डिजिट आप सेलेक्ट करोगे तो छोटी वाली तो ये हो जाएंगी और बड़ी वाली अपने आप ही हो जाएगी, और क्या प्लस ये भी सेम होगा 9C2, इसमें क्या होगा ये ग्रेट लेस और जो ग्रेटर वाली है दोनों मान लेना, और लास्ट थिंक इज तीनों की तीनों सेम तो 9 में से कोई भी एक ले लो। तो क्या आंसर जाएगा इसका, 9C3 प्लस 2.9C2 प्लस 9C1, इसके गुणाभाग कर देना तो इसका आंसर आ जाएगा। तो जो मेरे को आइडिया इसको सोल्व करने के साथ 165 आता है, तो 165/150 3 पॉइंट समथिंग का जब स्टेप लोगे तो आंसर इसका 3 आपको फिल करना है, ठीक है। चलो 165/50 सॉरी, तो क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो इस तरीके से करना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया, फटाफट देखो टाइम हो गया। कंसीडर ABC विद 3 सेट ऑफ फंक्शंस, आपको 3 फंक्शन के सेट गिवन है, सेट ए सेट बी और सेट सी। अब देखो उसमें हो क्या रहा, बेसिकली सेट ए में तो बोला गया है, क्या बोला गया है, हाँ चलो आगे पढ़ते हैं। ए नॉर्मल डाइस इज थ्रोन वंस इफ इट इज टर्न अप ए कंपोजिट नंबर, ए फंक्शन इज सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ए। मतलब एक डाइस को थ्रो करने पे उस पर कंपोजिट नंबर आता है तो आपको फंक्शन सेट ए सेलेक्ट करना है, अगर प्राइम नंबर आएगा तो सेट बी सेलेक्ट करोगे, और बेटा एल्स फंक्शन इज सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट, और अगर प्राइम और कंपोजिट में से कुछ भी ना आया, दूसरा कोई बचा हुआ आ गया, तो आपको सेट सी से एक फंक्शन को सेलेक्ट करना है। अब आगे क्या बोला गया पढ़ो, इफ द सिलेक्टेड फंक्शन इज फाउंड टू बी ड्राइवेबल इन इट्स डोमेन, मतलब जो आपने फंक्शन सेलेक्ट किया ABC में से वो फंक्शन क्या होना चाहिए, ड्राइवेबल होना चाहिए, तो देन फाइंड द प्रॉपर्टी दैट इट वॉज सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ ए, तो इस बात की प्रॉपर्टी बताओ कि वो सेट ए से सेलेक्ट किया गया है। तो देखो इसमें क्या करना है, पहले तो ये देखो कि पी कंपोजिट का मतलब क्या होगा, कंपोजिट नंबर होने की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो कंपोजिट नंबर कौन होंगे 4 और 6, तो कंपोजिट की प्रॉपर्टी जाएगी 2/6, 1/3, ये तो है कंपोजिट नंबर होने की प्रॉपर्टी एक डैश को थ्रू करने पे। प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या होगी, प्राइम नंबर कौन होंगे 2, 3, 5, तो आ गया 3/6 is 1/2, और पी अदर रिमेनिंग कौन बचेगा 1, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी 1/6, हाँ है ना, ये आ चुकी है सबकी प्रॉपर्टी। अब क्या करना है, अगर नंबर कंपोजिट आएगा तो आपको सेट ए से फंक्शन लेना है, इसमें सेट बी से, इसमें सेट सी से। अब सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या है कि नंबर अगर कंपोजिट आएगा तो सेट ए से फंक्शन लोगे बट वो ड्राइवेबल होना चाहिए, तो सबसे पहले लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी, डी का मतलब सेट ए से अगर आपने फंक्शन लेट किया तो उसके डेरिवेटिव डिफरेंशियबल होने की प्रॉबिलिटी क्या होगी। तो देखो सेट ए में टोटल 4 फंक्शन है तो सैंपल स्पेस तो आ गया 4, और डेरिवेटिव किसका सही होगा, देखो स्टेप एक्स आपका ईच इंटीजर पे क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूस, हटाओ √1 − x² है, ये फंक्शन −1 से 1 में कॉन्टिन्यूस है, लेकिन जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 और −1 पे बन जाएगा नॉन डिफरेंशियबल, तो ये भी आपका नॉन डिफरेंशियबल है। अगले में क्या है, इसकी डोमेन है x ≠ 1, तो जब इसकी डोमेन x ≠ 1 है तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक क्या होगा ऑल पॉइंट्स पे ड्राइवेबल होगा। और फोर्थ फंक्शन क्या होगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट x है, पहली बात तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 होगी, 1 पे ओपन ब्रैकेट है तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, इसका मीनिंग इसकी डोमेन तो R है बट ये ईच इंटीजर पे क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूस, तो ये नॉन ड्राइवेबल आ गया। मतलब इसमें केवल जो थर्ड फंक्शन है ना ये आपका डिफरेंशियबल है, तो फंक्शन के डिफरेंशियबल होने की प्रॉपर्टी क्या होगी 1/4। सेट ए से अगर आपने फंक्शन लेट किया है तो सॉरी तो उसके डिफरेंशियबल होने की प्रॉपर्टी क्या होगी 1/4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी, अगर आप सेट बी से फंक्शन लेट करते हो तो उसके डिफरेंशियबल होने की प्रॉपर्टी देखो, टेन एक्स आपका ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, साइन प्लस कॉस भी होगा, और अगला है 3/2 cos x, तो बेटा कॉस एक्स की वैल्यू −1 से 1 होगी, तो वंस अगेन डिनोमीटर आपका ऑलवेज पॉजिटिव है ना, तो ये भी फंक्शन आपका ऑलवेज क्या होगा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, तो आगे 3/3, ये ऑलवेज सारे के सारे फंक्शन डिफरेंशियबल है, तो इसमें सेलेक्ट करने की प्रॉपर्टी आपकी 1 होगी। और लास्ट थिंग इज पी सी इंटरसेक्शन डी इज x^(1/3), इसकी डोमेन तो R है बट इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 पे क्या आएगा इसकी टेंजेंट होगी वर्टिकल टेंजेंट, तो 0 पे नॉन डिफरेंशियबल है, टेन इनवर्स x ऑलवेज आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल है, सिग्नम
वन प्लस स्टेप एक्स प्लस माइनस एक्स का स्टेप। तो देखो आपने पढ़ा होगा कि एक्स अगर इंटीजर है तो स्टेप एक्स प्लस माइनस स्टेप एक्स की वैल्यू माइनस वन, तो सिग्नम जीरो आपका जीरो होगा, मतलब इंटीजर पे सिग्नम की वैल्यू जीरो होगी। और एक्स अगर नॉन इंटीजर है तो स्टेप एक्स प्लस माइनस स्टेप एक्स की वैल्यू माइनस वन होगी, तो माइनस वन लेने पे सिग्नम जीरो जीरो आ गया। मतलब एक्स अगर नॉन इंटीजर है तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, और एक्स अगर मेरा इंटीजर है तो ये जीरो देगा, तो सिग्नम वन आपका वन होगा। मतलब ये ईच इंटीजर पे आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो इसमें ओनली टेन इनवर्स एक्स आपका डिफरेंशियबल फंक्शन है, बाकी दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है। तो देन इसमें क्या लगोगे, वन अपॉन थ्री, ये वन बाई फोर, ये थ्री अपॉन थ्री, ये वन अपॉन थ्री। मतलब सेट सी से अगर कोई फंक्शन लेट करोगे तो उसके डेरिवेटिव होने की प्रॉपर्टी क्या होगी, वन अपॉन थ्री। अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले लेते हैं सैंपल स्पेस। ये क्वेश्चन है वेस थ्योरम का, बट मैं इसको एस और एफ से सीधा बता दूंगा आपको। सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या है कि आपने एक डाइस को थ्रो किया, उस पर कंपोजिट नंबर आएगा तो आप इससे फंक्शन लेट करोगे डेरिवेटिव। तो क्या लिखोगे कि डाइस पे कंपोजिट नंबर आने की प्रॉबर्टी वन बाई थ्री इंटू सेट ए से डेरिवेटिव फंक्शन सेलेक्ट करने की प्रॉबर्टी वन बाई फोर, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस वन बाई टू को वन से कर दो खत्म, और प्लस वन बाई सिक्स को वन बाई थ्री से करना है। और क्वेश्चन ने क्या पूछे गए कि फाइंड दी प्रॉबर्टी दैट सेलेक्टेड फ्रॉम दी सेट ऑफ ए, सेट ऑफ ए का मतलब ये वाला पार्ट, ये इसका हो गया फेवरेबल केस, इसको इससे डिवाइड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, और क्या। ठीक है, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्या। देखो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या करना है, आओ सभी, डी ए बी सी एक टेट्राहेड है ना आपका, ए बी 12 गिवन है, सी डी 6 गिवन है। इफ दी शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन दी लाइन ए बी एंड सी डी इज 8, एंगल बिटवीन देम इज पाई बाई 6, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ दी टेट्राहेड। चलो एक बार इसका डायग्राम ड्रॉ करते अपन। ये लेफ्ट टेट्राहेड है ना ए बी सी, अपन डी को इसका ओरिजिन मान लेते हैं, जीरो वेक्टर, ठीक है ना, कोई भी लेट कर दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये लेट आपका एक टेट्राहेड है, इसको ए वेक्टर लेट करें। अब गिवन क्या वो देखते हैं, ए बी आपको 12 गिवन है, सी डी आपको, मतलब ए बी का मतलब आ गया ए बी वेक्टर का मोड आपको 12 गिवन है। अगर ये जीरो वेक्टर है तो क्या आ गया, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर होगा, ए सी वेक्टर होगा, ठीक है ना। देन मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मोड 12 एंड सी वेक्टर का मोड 6, लिख देते अपना क्या जा रहा है। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं, और क्या बोला गया है, ए बी और सी डी के बिटवीन, ए बी कौन है ये, और सी डी किधर चला गया ये, मतलब ये दो स्क्रू लाइंस हैं, तो आपको ए बी और सी डी के बिटवीन डिस्टेंस कितनी गिवन है, 8। तो टू स्क्रू लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सी बात है, उसको लिख देते बाद में देखते क्या जरूरत होगी। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर डॉट, अभी समझाएंगे इसको, बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मोड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, बोलो आया ना, ये आपको 8 बोला गया है, इस पर मोड लगा देना क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ए टू माइनस ए वन क्या होगा, ए टू का मतलब आपको ए बी लाइन पर एक पॉइंट लेना है और सी डी लाइन पर एक पॉइंट लेना है, तो एक काम करो सी डी लाइन पर तो सीधा जीरो वैक्टर मान लो आप ए वन वैक्टर को, और इस पे मान लेते हैं ए वेक्टर, तो ये आ गया ए वेक्टर डॉट बी वन क्रॉस बी टू। बी वन का मतलब लाइन पे एक पैरेलल वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उस पे कौन होगा, सी वेक्टर, तो क्या आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, थोड़ा बहुत बना दो, ये क्या है ए वेक्टर डॉट ए माइनस बी क्रॉस सी वेक्टर, हाँ है ना। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मीनिंग क्या है, ये ए बी लाइन के पैरेलल वेक्टर है और ये ओ सी लाइन के पैरेलल वेक्टर है, डी सी लाइन के पैरेलल वेक्टर है, और अपॉन में ये लिख देते दोबारा
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का डॉट इक्वल टू 8। अब देखो केयरफुली, इसको ए के साथ क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा ए क्रॉस सी और ए के साथ डॉट, तो ए डॉट ए क्रॉस सी तो जीरो हो गया ना, डाउ। और ये करोगे तो आ गया ए डॉट बी क्रॉस सी, मोड आ रहा है तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज बॉक्स ऑफ ए बी सी, तो आ गया बॉक्स ऑफ ए बी सी इक्वल टू, उसको उधर भेज दो 8 डिटरमिनेंट ऑफ ए वेक्टर माइनस सॉरी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मोड। इसने क्या पूछा अपन से, वॉल्यूम ऑफ दी टेट्राहेड्रन, इसका मतलब मेरे को सीधा बॉक्स ऑफ ए बी सी को मनवाइसिस करना है बाद में। इसका क्या करें, देखो क्वेश्चन ने और कुछ बोला था क्या, हाँ एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के बिटवीन आपको वंस अगेन एंगल गिवन, तो इसकी भी हेल्प लेते हैं अपन, लिख देते हैं ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर के बिटवीन एंगल आपको गिवन है पाई बाई सिक्स, तो क्या लगोगे दो वेक्टर के बिटवीन एंगल का फॉर्मूला क्या, कॉस थीटा इक्वल टू ए बी क्रॉस, या फिर एक काम करें देखो, हाँ ए बी वेक्टर तो है आपका बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर और सी डी वेक्टर है सी वेक्टर, आपको इधर इसके क्रॉस की वैल्यू चाहिए ना, तो सीधा साइन थीटा लगा दो, फर्क क्या पड़ता है, साइन थीटा इक्वल टू ए बी क्रॉस ए सी, अरे लिखते हैं ना ए बी क्रॉस ए सी का मोड इक्वल टू मोड ए बी मोड ए सी साइन थीटा, तो क्या आ गया, देखो ना इसको खोलो, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस सी डी सॉरी ए बी क्रॉस सी डी, तो बेटा ए बी क्रॉस सी डी का मोड का मतलब मोड ए बी मोड सी डी साइन थीटा, तो वही तो बात हुई ना, इसे डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी, साइन 30 तो आ गया 1/2, ए बी का मतलब है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मोड अपॉन मोड ए बी आपका 12 है, मोड सी डी आपका 6 है, तो कितनी बार चला गया 12 चीगी 72, 36 आ गए लो, सीधा मजा आ गया लो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू मिल चुकी 36, बोलो आया ना, तो ये वैल्यू आपकी 36 है, तो 36 इंटू 8 आ गया, हमको क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ दी टेट्राहेड्रन, तो 1/6 करोगे आप, तो 1/6 कितना जाएगा, 8 × 36, तो क्या आ गया 48 आंसर आपको फिल करना, ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट से करोगे तो जल्दी आंसर जाएगा आपका, चलो। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पी क्यू आर आर प्राइम नंबर्स, पी क्यू आर आपके प्राइम नंबर्स है, अल्फा बीटा गामा आर पॉजिटिव इंटीजर, अल्फा बीटा गामा आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, फिर क्या बोला गया है, अल्फा बीटा गामा का जो एलसीएम है ये तो गिवन है पी क्यू क्यू स्क्वायर आर, देखो एलसीएम ऑफ अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा क्या है, पी क्यू क्यू स्क्वायर एंड आर, ठीक है, और एच सी एफ ऑफ वंस अगेन एल्फा बीटा गामा कितना है, पी क्यू आर, तो ये बताओ एल्फा बीटा गामा के कितने पॉसिबल ट्रिपलेट हो सकते हैं, तो देखो क्या करना है, तो आपको अल्फा बीटा गामा का एलसीएम गिवन है और एच सी एफ गिवन है, अब थोड़ा देखो ये कह रहा है कि बताओ पी क्यू आर के कितने ऑर्डर ट्रिपलेट हो सकते हैं, देखो अल्फा बीटा गामा के सॉरी एल्फा बीटा कैसे करना क्वेश्चन को, देखो एक बात बताओ अल्फा बीटा गामा का एच सी एफ पी क्यू आर कब आ सकता है, पहली बात तो एच सी एफ पी क्यू आर जब आ सकता है जब पी क्यू आर आपका इधर भी होना चाहिए कम से कम एक बार, इधर भी पी क्यू आर आना चाहिए, इधर भी पी क्यू आर आना चाहिए, इधर भी पी क्यू, मतलब एक बार पी एक बार क्यू एक बार आर तो आने आना चाहिए, ये तो मैंने ले लिया, अब बचा कौन इसमें पी स्क्वायर क्यू आर, पी स्क्वायर क्यू बचा ना, हाँ है ना, क्या बचा ओनली, थोड़ा इसको केयरफुली देखना, आपको अल्फा बीटा गामा का
HCF PQ लाना, इसका मतलब ईच अल्फा बीटा गामा में एटलीस्ट वन पी, एटलीस्ट वन क्यू और एटलीस्ट वन आर तो होना ही होना चाहिए। एक बार समझो, लिखते हैं बाद में। ये मैंने लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब LCM मेरे को P Q Q स्क्वायर R लाना था। एक बात बताओ, जब आपने तीनों में R ले लिया तो LCM तो R आ ही गया। अब R की बात मत करो, हटाओ। अब मतलब R तो आ ही गया मेरा LCM लेने पे, LCM में Q स्क्वायर आना चाहिए। तो Q स्क्वायर कब आ सकता है? जब अल्फा बीटा गामा में से कम एक तरफ Q स्क्वायर होना चाहिए। सुनना केयरफुली, जैसे लेट इधर मेरा Q स्क्वायर आ गया, इधर क्यू इधर क्यू, तो एलसीएम क्यू स्क्वायर आएगा ना उसका। अगर इधर भी क्यू स्क्वायर आ गया फिर भी सेट है मामला। और कुछ बच्चों ने बोला इधर लगाने में क्या दिक्कत है, लगा देते हैं। तो चलो ठीक है, तीनों तरफ अगर क्यू स्क्वायर है तो एलसीएम से क्यू स्क्वायर आ गया। बट अब इस केस में एचसीएफ आपका क्या बन जाएगा? क्यू स्क्वायर। मेरे को एचसीएफ तो क्यू लाना है। इसका मतलब जब एचसीएफ मेरे को क्यू लाना है, इसका मतलब जो क्यू है ना वो एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता सब तरफ। ऑल अल्फा बीटा गामा में तीनों तरफ एक साथ आप क्यू को रिपीट नहीं कर सकते। एक जगह रिपीट कर सकते हो, दो जगह कर सकते हो। मतलब इसमें दो बातें हो सकती हैं कि एक क्यू तो फिक्स हो गया, तो एक क्यू आप इधर ला सकते हो, इधर ले आओ, इन दोनों पे मत लेके आओ, या फिर दो पे क्यू ले आओ और एक पे जीरो ले आओ। हाँ ना, तो क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर आ गया ना, तो एलसीएम आ गया क्यू स्क्वायर, क्योंकि तो सिंपल क्यू क्यू होंगे, दो पे लोगे क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू, तो भी आपका एलसीएम आपका क्यू स्क्वायर होगा। अब बात करते हैं एक बार पी की। पी में पी क्यू बनाना है, पी ऑलरेडी आ गया तो पी स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, टेंशन मतलब आप पी स्क्वायर पी जीरो चल गया काम, पी स्क्वायर पी और पी जीरो अब भी चल जाएगा काम। या फिर ऐसे समझ लो, ये लो पहले पी स्क्वायर का काम करो, पी स्क्वायर के साथ दोनों जीरो ले सकते हो और दो पे पी स्क्वायर एक पे जीरो ले सकते हो। हाँ है ना, ये लिखना ही पड़ेगा, क्या करें, बाद में तो बहुत सिंपल है मेथड लिखने का। और क्या हो सकता है देखो दोबारा, एक तो ले लिया मैंने पी स्क्वायर, एक ले लिया पी और एक ले लिया पी की पावर जीरो, उस केस में भी एलसीएम आपका पी क्यू भी होगा। हाँ है ना, तो पी स्क्वायर आपका दो बार आ सकता है या पी स्क्वायर केवल एक बार आ सकता है, या फिर पी स्क्वायर एक बार आ सकता है या पी स्क्वायर दो बार आ सकता है। और क्या हो सकता है, पी स्क्वायर के साथ एक पी भी आ सकता है ना। हाँ सही है, लेकिन पी स्क्वायर के साथ डबल पी नहीं आ सकता। तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, सुन लो केयरफुली। पी स्क्वायर के साथ दो जीरो आ सकती हैं, पी स्क्वायर के साथ पी जीरो पी आ सकता है, पी स्क्वायर के साथ पी जीरो पी स्क्वायर आ सकता है, पी स्क्वायर के साथ पी पी नहीं ले सकते क्योंकि पी स्क्वायर के साथ पी पी आ गया तो फिर एलसीएम एचसीएफ पी स्क्वायर बन जाएगा। यस सर। अब देखो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के मेथड क्या होंगे। सीधा आंसर है इक्वल टू, देखो सबसे पहले क्यू की बात करो, करना क्या है आपको, एक क्यू को दो पे तो जीरो लाना है, मतलब एक क्यू को तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके तीन ऑप्शन है ना, थ्री सी वन। ये तो हो गया क्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने के मेथड। उसके बाद अगर मैं ये वाला केस लेता हूं तो उसका मतलब क्या है, दो क्यू को और एक क्यू जीरो को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा समझ सकते हो। दो क्यू और क्यू जीरो का मतलब वन मान लो, तो क्यू क्यू वन को डिस्ट्रीब्यूट करने के मेथड फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल टू, तो कितना जाएगा ये थ्री आ गया, तो ये भी कितना आ गया थ्री सी वन। तरीका तो यही है इसको लिखने का, सिंगल क्यू को और डबल क्यू जीरो को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मीनिंग क्या है पहले वाले का, क्यू वन वन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वन वन का मतलब क्यू जीरो है, तो क्या लिखोगे फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल टू, और अगले में भी क्या होगा फैक्टोरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल टू, बट इनको जोड़ना है मल्टीप्लाई मत करना। इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, या तो ये वाला केस लोगे क्यू का या ये वाला केस लोगे। इनटू सिमिलरली बात करते हैं अपन पी की। पी का मतलब क्या है, पी स्क्वायर वन वन, पी स्क्वायर वन वन को अगेन तीन पोजीशन पे रिशफल करने के मेथड फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल, ये हो सकता है। अरे ये केसेज है ना, दिस और दिस, दिस और दिस और दिस, ये केस इनको ऐड करो, ये पी वाले सारे केस इनको ऐड करो, बाद में दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि P और Q को एक साथ लेके आना है। इसमें भी दो बार P स्क्वायर एक बार 1 है, तो इसके भी सेम आंसर होंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन, इसमें एक पे P की पावर 2, P की पावर 1 और P की पावर 0, तीनों डिफरेंट है, तो ये क्या जाएगा फैक्टोरियल 3 आ गया, तो कितना आ गया 3
थ्री प्लस थ्री तो सिक्स आ गया, ये देखो थ्री प्लस थ्री सिक्स और सिक्स ट्वेल्व आ गया, तो देन आ गया 72। मतलब अल्फा बीटा गामा के टोटल ऑर्डर ट्रिपलेट कितने होंगे, 72 वैसे ले सकते, जिससे उनका एलसीएम तो क्या होगा पी क्यू क्यू स्क्वायर आ रहा है, एंड एससीएफ क्या होगा पी क्यू आर, ठीक है ना। तो इसका 72 आंसर आपको बेटा फिल करना, ठीक है। चलो बेटा थैंक यू, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपन।